गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? मज़े में होंगे भाई, होना भी चाहिए, सर्दी जोरों पर है। मैं तो कहती हूँ जो भी हालात हो, मज़े में। अगर आप ये सोच के उठेंगे कि मैं मज़े में हूँ और मैंने बहुत अच्छा दिन गुजारना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच आपकी बॉडी पर, आपकी फिजिक पर असर करती है। कितना हम परेशान हो जाते हैं ना जब हमारे अपने कोई प्यारे बीमार हो जाते हैं, या जो आजकल हालात चल रहे हैं और हम इसे बेयर कर रहे हैं सिंस फरवरी के लास्ट वीक से, जो 2020 का फरवरी था। इन हालात में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने कैप्चर की हैं कि हमारे प्यारे हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। और उनकी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा दिन ख़राब हो जाता है, हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि किसी घर में कोई एक बीमार होता है ना तो वो सारे घर वाले बीमार हो जाते हैं। किस तरह हॉस्पिटल में रहना है, रात को कौन रुकेगा, दिन को कौन रुकेगा, किसी को अपनी नौकरी का होश नहीं, अपनी सेहत का होश नहीं होता। इस तरह बहन भाई या फैमिली जो मेम्बर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हेल्प ले रहे होते हैं, खाना यहाँ से आएगा, नाश्ता यहाँ से आएगा, लोग देखने आ रहे होते हैं आपके उस घर वाले को जो हॉस्पिटलाइज्ड होता है। और इस वक्त कोविड के दौर में हमने बहुत सारे अपने प्यारे मुझे माइक कॉर्डलेस दे दो ज़रा, मेरा माइक गिर गया। अरे लाइव में, लाइव शो में ऐसा होता है ना कि कहीं गिर गया पता ही नहीं कहाँ गया। हाँ क्या, हाँ यहाँ आ जाओ, माइक है, कॉर्डलेस दे दो, मेरी आवाज़ तो जाए, मेरी आ रही आवाज़। एक सेकेंड, ओके तो अब मेरा माइक आ रहा होगा आप तक। ओके अब मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ ये कि बहुत सारे अपने जो दो चार हुए वो बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए। फॉर एग्जांपल हमने एक शो किया था अंबर के साथ, अंबर ने बताया किस तरह उसने अपने अब्बू की तीमारदारी की उस कोविड के दौरान, किस तरह वो पूरा मतलब लाइक मैं जब वो शो देखती हूँ या सोचती हूँ तो मेरा ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी औरत जो इतनी फैशनेबल, इतनी हल्ला गुल्ला करने वाली, वो इतनी खिदमत गुजार बेटी भी हो सकती है कि वो कोविड के दौरान उसने अपने अब्बू की तीमारदारी की एज अ नर्स, और उसके बाद फिर वो दुनिया में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिदैन कोविड के दौरान ही चले गए। उनसे पूछे कि कितनी तकलीफ होती है, हम बड़ा लाइट लेने लगे हैं कोविड। मैंने देखा है कि लोग मास्क भी, मैं खुद नहीं लगा रही होती यार, मैं कहती हूँ हाँ मुझे तो हो चुका है, दोबारा तो नहीं होगा, तो इतना हम थोड़ा सा इसको लाइट लेने लगे हैं। लेकिन वो लोग जो इस मर्ज से दो चार होते हैं, उनके प्यारे जो उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनसे पूछें कि वो इसको कितना ज़्यादा अहमियत देते हैं, सफाई को, हर चीज़ का कितना ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब दोबारा से हमारे मुल्क में, हमारे शहर में वो केयर जो एक ज़माने में कर रहे थे सब डर के मारे, वो ख़त्म कर दी। प्लीज़ उसको जारी सा कि मैं अभी आज एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने वाली हूँ अपने शो पे, उनके लिए मैंने ये पूरा सजाया है। उसकी रीज़न ये है कि वो मौत के मुंह से वापस निकल कर आई हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें बेयर की, वो बहुत स्ट्रांग औरत हैं। वो मैं कहती हूँ जितनी भी ये सारी ख़वातीन हैं उनकी एज की, उनके मुकाबले में वो इतनी स्ट्रॉन्ग औरत है कि हर कोई जो उनके आसपास की सेलिब्रिटीज़ थी वो उनसे हिम्मत मांगने के लिए, जब उनके साथ कुछ होता था तो हिम्मत मांगने के लिए इस सेलिब्रिटी गेस्ट के पास जाते थे कि बताओ हम क्या करें, और ये सबकी हिम्मत बांध रही होती थी। जब ये कोविड से दो चार हुई और इन्होंने जो वो बेयर किए इन चीज़ें, वो मैं आपको समझाना और बताना चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिन लग गए इनको रिकवर होने में। और देखें, इनको कोविड हुआ था मई में, यानी छोटी ईद में, और अब इतने महीनों बाद मैं इनको अपने शो पे बुला रही हूँ क्योंकि इनको रिकवर होने में टाइम लगा। इनकी सर्जरी हुई, बहुत सारी चीज़ों से ये गुजरी, इतनी सारी झूठी झूठी खबरें, इतनी सारी अजीब सी खबरें इनके लिए वायरल कर दी गई, इनके पूरे ख़ानदान को जो दुनिया भर में मौजूद थे उनको परेशान किया गया क्योंकि गलत अफवाहें इनके बारे में फैला दी गई। और आज ये मेरे पास यहाँ हैं तो ये एक सेलिब्रेशन बनती, क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, ज़िंदगी से बेहतर चीज़, ज़िंदगी से खूबसूरत चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। और वो कहते हैं ना कि जो मौत के मुँह से निकल कर आता है उससे पूछो ज़िंदगी क्या है, क्या बदलाव आए इनकी ज़िंदगी में, इनकी घर की ज़िंदगी में, इनके बच्चों से, इनके ताल्लुकात, हर किसी से ताल्लुकात, क्या इनकी ज़िंदगी में बदलाव है, कैसे इन्होंने ये पेन बेयर किया, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं याद दिलाती चलूँ, रुबीना अशरफ
इसके लिए आप सब दुआ गो रहे हैं. हमने अपने इंस्टास पर भी डाला था, सारे एक्टर्स, सारी फटर्निटी, सारी जो हमारी पब्लिक है वो सब परेशान थे इनके लिए. आज इतने दिनों बाद आप उनको हमारे शो पे लाइव देखेंगे और सब चीज़ें जानेंगे उनके हवाले से. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोविड के लिए आज आप जानना चाहते हैं, यानी अब ये जो रीसेंट वेव आई हुई है वो भी हम आपकी आपको बताएंगे कि आपको कैसे अब ध्यान रखना है. बातें करेंगे क्योंकि मैं कहूँगी ये खुशी का शो है कि वो हमारे पास वापस हैं. उस वक्त पता नहीं हम ये सोचते थे कि हम उन्हें देख भी सकेंगे कि नहीं, हम उनसे दोबारा से मिल भी सकेंगे कि नहीं. तो ये एक ऐसा शो है जो अनएक्सपेक्टेड शो था और अल्लाह ताला ने उनकी लिखी थी ज़िंदगी उनको वो वापस दी और आज वो हमारे साथ होंगी. रुबीना अशरफ से आज हम मुलाकात करेंगे विद उनकी बेटी. उनकी बेटी भी हमारे साथ है और जाहिर है यार जब बच्चों पे क्या गुजरती है, जब उनके माँ बाप हॉस्पिटलाइज होते हैं और डॉक्टर्स कह रहे होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चे कैसे उसे बेयर करते हैं, ये सारी बातें होंगी. आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इमोशनल और फेस्टिव भी होगा. ये मिली जुली कैफियत मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज की सुबह. तो आप रहिए मेरे साथ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हर किसी के माँ बाप को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज व अमान में रखे. गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कहते हैं ना जब हम लाइक किसी से सुनते हैं कि जो आपके पड़ोसी होते हैं वो कभी कभार आपके रिश्तेदारों से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों से जितना नहीं मिल रहे होते उतना आप अपने पड़ोसियों से मिल रहे होते हैं. तो हम ये कहते हैं कि जिस जगह हम काम करते हैं, अपनी कलीग्स के साथ जहाँ काम करते हैं, वो कभी कभार आपके अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं, क्योंकि आप उनसे प्रोजेक्ट्स की वजह से रोज़ मिल रहे होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनके साथ शोज़ कर रहे होते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. SMS, मतलब हर बात एक दूसरे से डिस्कस करना, शेयर करना. और जब आपको ये पता लगता है कि आपका जो कलीग है वो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो फिर आप भाग भाग के कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह सपोर्ट की जाए, उसको किस तरह मतलब उसका मोराल अप किया जाए, किस तरह टिप्स दी जाए. तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं हर फील्ड में. और हमारी फटर्निटी में भी ऐसा ही होता है कि कोई सेलिब्रिटी है जिसके हवाले से हम कुछ भी सुनते हैं खबर, तो हम उसकी सपोर्ट के लिए सारे अलग अलग तरीके से जो जिस हिसाब से कर सकता है वो करते हैं. और हम बहुत फिक्रमंद रहे हैं पिछले दिनों, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कोविड का शिकार हुए. कुछ तो एसिम्प्टोमेटिक थी जिनके कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं. और उनमें सबसे पहली जो हमारी सेलिब्रिटी थी जो जब कोविड शुरू हुआ है जो तकलीफ़ से गुजरी हैं, जो हॉस्पिटलाइज रही हैं, जो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की मालिक थी, वो थी रुबीना आपा. और रुबीना आपा के लिए कौन कौन नहीं था जिसने दुआएं की होंगी. और मैं आज उन सबको ये ट्रीट दे रही हूँ कि मैं उनको यहाँ अपने शो पे बुला के दिखाना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से वो बिल्कुल पहले जैसी वो आपको अपने ड्रामों में, प्रोजेक्ट्स में, शोज़ में हर जगह नज़र आने वाली हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जिनकी दुआओं से वो आपके सामने दोबारा वापस आ रही हैं. आइए वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर रुबीना अशरफ. अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह वैसी हो. हाँ ना, पहले जैसी. हाँ, थोड़ा वक्त लगा वैसी होने में. हाँ, बात या आई गॉट. मैंने आपको फॉरन नहीं बुलाया, मैंने कहा रिलैक्स, रेस्ट. बिल्कुल जो एनर्जी थी ना, मुझे याद है मैंने आपको सीढ़ियों पे भी चढ़वा के एक्टिविटीज कराई हैं, मैंने आपसे गुब्बारे भी फुलाए. हाँ, तो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, ये सब आपकी आमद की खुशी में हमने सजाया हुआ. इतना खूबसूरत है, इट इज सो ब्यूटीफुल, आई कांट इमेजिन. आई नो कि आप अभी कुछ जो नजर नहीं आ रहा आप बाद में दिखाओगी, और कुछ जो हम देख रहे हैं. बिल्कुल, इट्स ऑल ब्यूटीफुल. तो वेलकम बैक, थैंक यू टू लाइफ. लाइफ इज ब्यूटीफुल. या एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ माय फैंस, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, सबने. मैं एक्चुअली ना बता नहीं सकती कि जब मैं वहां थी हॉस्पिटल के बेड पे और मुझे पता चलता था कि यू नो मैसेजेस आते थे और फिर मेरे घर वाले बताते थे और बाहर से लोग आके एंड द नर्सेस वुड कीप टेलिंग मी कि आपके लिए सब कितनी दुआएं कर रहे हैं, हमें कितने फ़ोन्स आते हैं सुबह से रात तक, हमें कितने लोगों को जवाब देना पड़ता है. तो मुझे लगता था हैं सीरियसली क्यों, मैंने तो कभी किसी के साथ इतना अच्छा नहीं किया, लोग मेरे लिए कितनी दुआएँ कर रहे हैं. अल्लाह, और इतनी दुआएँ थी
और मेरा यकीन है कि मैं उन्हीं दुआओं की वजह से वापस आई। वाह, अल्लाह मियां ने कहा ले लो भाई, तुम लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो, तुम तो पागल ही हो गए हो। तो कुछ ऐसा था, कुछ था। आए ना, बैठे प्लीज। थैंक यू। ये मई के एंड में हुआ था ना, ईद से पहले कोविड, जब हम लोग भी मैं और यासिर भी हम लोग शायद आइसोलेटेड थे। मेरा तो ईद के फौरन बाद, ईद के फौरन बाद। आपका सबसे पहले हुआ? हाँ। यू वर द फर्स्ट वन हमारी फ्रेटर्निटी, हमारी हमारे कबीले से जिसका पता चला, जिसने प्रॉपर अनाउंस किया कि भाई मुझे हो गया है, यासिर को हो गया है, मेरे बेटी को हुआ है और बाकी बच्चे और बाकी घर का स्टाफ सही है। सो हम आपके लिए दुआ कर रहे थे एंड देन, और हमारी बात भी होती थी। हाँ, हमारी बात भी हुई, हमने आपको मैसेजेस किए, आपके लिए दुआएं की एंड देन ईद हैपेंड। यस, और ईद पे हमने सबने सोचा कि ईद है, थोड़ा सा तो मिल लेना चाहिए। ईद थी ना, रमजान बहुत बुरा इन द सेंस के बहुत उदास, क्योंकि हम रमजान को सेलिब्रेट करते हैं ना, इधर अफ्तार पार्टीज, उधर अफ्तार, मतलब एक साल में ये महीना आता है तो कितना हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो सब बिल्कुल फीका फीका गया था हमने, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था। मुझे इतनी आदत है निदा कि जैसे ही रमजान की डेट अनाउंस होती है तो एक 4 weekends ओनली एंड हम बुक कर लेते हैं फौरन। पहला वीकेंड फ्राइडे सैटरडे इसके घर होगा, अगर बहुत फंस गए तो संडे भी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसके बिकॉज फैमिली ज़्यादा है और दिन कम होते हैं एंड देन वी फिर हम पेयर कर देते हैं कि तुम दोनों मिलके एक इफ्तारी करोगे, यू डू द इफ्तारी, यू डू द डिनर। सो कुछ घरों में हम ऐसे भी करते हैं, सबको मौका मिल जाता है, सबको मौका मिले। बट इतना उदास रमजान मैंने जिंदगी में किसी ने भी नहीं देखा। सो दैट रियली गॉट टू मी। मैं इतनी डिप्रेस थी ड्यूरिंग रमजान कि मैंने फिर, क्योंकि देखो अपने घरों में ईद आपने और मैंने बनानी है ना, जो हम बनाएंगे वो ईद होगी, जो घर की औरत ने ईद बनानी होती है, क्या प्लान करना है, क्या गेस्ट आने हैं, इस दफा हमने कहीं जाना है या हमने बुलाना है। सो आई वॉज थिंकिंग कि ये तो नहीं मैं कर सकती कि मैं ये ईद भी ऐसे, चलो रमज़ान हमने गुजार दिया, हम घर में थे, हमने ना किसी को बुलाया, ना हम कहीं गए, हम अपनी इफ्तारियाँ अकेले, सहरियाँ भी अकेले, हालांकि हम सहरियाँ भी नहीं अकेले करते, हम सहरी में भी फेस्टिविटी करना चाहते हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो आई सेड नहीं, ईद नहीं हो सकती ऐसी। सो दो दिन मैं अपने जो इमीडिएट जो फैमिली है ना उनसे मिली हूँ, और ऐसे के यू नो ऐसे ऐसे ही बैठे हैं। माय जिठानी वुड से के हम तो, हमने तो हाथ भी नहीं मिलाए, हमने तो कोनियाँ मिलाई और हम तो मिले भी नहीं ठीक से, क्योंकि अगले ही दिन आई गॉट कोविड, माय होल फैमिली गॉट कोविड, माय होल ससुराल, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और कुछ उस वक्त पता नहीं होगा कि किसको, किसी को एक को होगा तो जिससे स्प्रेड हुआ होगा। केयर अबाउट इट आल्सो, उससे क्या फर्क पड़ता ही नहीं चलता। आई मीन हां, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, उससे आपके इलाज में, आपके हस्बैंड, आपका बेटा और बेटी, वो सेफ थे माशाल्लाह। हां माशाल्लाह, अभी तक दे सेफ, अल्लाह का शुक्र है। इसकी साइंस समझ ही नहीं आ रही ना कोविड की, हो क्या रही है, सिर्फ अल्लाह मियां को पता है। इसकी साइंस अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि अल्लाह मियां को पता है उसे जिसको बीमार करना है और जिसको उसका उसकी तीमारदारी के लिए ओके रखना है। You know? अच्छा, कैसे आपको पता चला, आपको सिम्टम्स क्या आए थे कि मुझे? ईद के अगले दिन, ईद पे हम वी वेंट एंड मेट लिटिल बिट ऑफ फैमिली। ओके, उसके अगले दिन आई मेट अ लिटिल बिट ऑफ फैमिली, और तीसरे दिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने तारिक को कहा, तारिक ने कुछ कहा कि मेरे पता नहीं जिस्म में दर्द है या कुछ ऐसे, तारिक मुझे लगता है मुझे रात को बुखार रहा है हल्का, एंड ही सेड के अच्छा, एंड आई सेड मैं आज टेस्ट करवा रही हूँ, बिकॉज उस वक्त मैंने कराया एंटीबॉडी टेस्ट जो कि क्लियर आ गया ना उस वक्त कुछ भी नहीं था। सो आई सेड मैं टेस्ट करवा रही हूँ और मैं क्वारंटीन कर रही हूँ। बड़ी मेरी, मैं स्पिरिटेड थी कि मैं तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट अ वीक ऑफ डिस्कम्फर्ट और उसके बाद आई विल बी आउट ऑफ इट, कोई नहीं, क्वारंटीन करूंगी और मैं तो अकेले बहुत खुश रहने वाला बंदा हूँ, मुझे कभी जिंदगी में मसला नहीं हुआ अकेले रहने में, बल्कि आई'd rather be on my own with my books, TV, सब कुछ है, फोन है, इंटरनेट है। आई थिंक को 3 दिन गुजरे थे ड्यूरिंग क्वारंटाइन विदाउट टेस्ट, एंटीबॉडी का नेगेटिव आ गया, मगर मेरा बुखार जो था वो स्पाइक कर गया। ओके, और वो चला गया 103 पे।
द होल नाइट आई हैड फीवर, सुबह मैं उठती थी. उस वक्त आप आइसोलेटेड थी या नहीं? आइसोलेटेड पहले दिन से. आई थिंक दैट्स व्हाई ये लोग बच गए. ओके ओके. क्योंकि मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया. मैंने पहले मोमेंट पे जब मुझे हल्का बुखार था एंटीबॉडी भी करा ली, बट मैंने कमरा लेता कर लिया था और मुझे ये लोग खाने वाने सप्लाई कर रहे थे. हमने एक सिस्टम बना लिया था बड़े खुशी खुशी. एक पिकनिक सी हमने फॉर्मुलेट कर ली थी ना कि तुम लोग यूं खाना रख दोगे. फोन था, बात कर रहे थे. एंड आई से तुम खाना रख दोगे ट्रॉली पे. Don't even try and come in. मैं, you know, मेरा जो पेट है उसको बाहर निकाल दिया था. तो बेचारा सबसे ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसको अंदर आना था मेरे पास और ये क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा था. सो आई वॉज क्वारंटीन. बुखार था. आई वॉज टेकिंग इट इन अ स्ट्राइड. कोई मसला नहीं है. मैं सुबह सो के उठती थी तो मुझे 103 बुखार होता था. आई जस्ट गो स्टैंड इन अंडर द शावर डायरेक्टली कि ये जरा सा काम ऐसे ही होगा. पैनाडोल कुछ नहीं कर रही. अच्छा, आपने कोई पैनाडोल वगैरह कुछ नहीं? नहीं, मैंने लिया. आपने लिया? बट इट वुड डू नथिंग. ओके, अच्छा, से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. नहीं, कुछ भी जरा देर के लिए भी बुखार नहीं होता. मैं ऐसे जैसे पैनाडोल से शायद 103 से 102 पे आ जाता होगा. दैट वाज अबाउट इट. ओके, एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग होप. फिर तीसरे दिन मैंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव भी आ गया. 3 दिन का क्वारंटीन जो था ना वो काफी था मेरे लिए. आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड टू मी. तो मैं आई जस्ट यू नो मुझे क्योंकि मुझे फिर उसके बाद मुझे नौसिया शुरू हो गया. उसके बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई. उसके बाद मुझे ड्रिपें लगनी शुरू हो गई बिकॉज देन द डॉक्टर हैड टू कम. आपने सना मक्की की चाय ली थी? ली थी. क्या किया था, कैसे बनाई थी उसको? मिना ने बनाई थी और ज्यादा डाल दी थी पत्ते शायद. Okay. शायद बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं था कितना डालना है क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं चल रहा था. बहुत सारे लोग जिन्होंने एक एक डेढ़ टी स्पून डाल दिया उनको. I had a loose stomach also, but once only. अच्छा. But after that, I started having vomitings, a whole lot of vomitings. मतलब मैं ORS मेरे पास था, मैं पी रही थी, मुझे कुछ नहीं उसका. और वो सब आप अकेले कमरे में थी, isolated थी, ये सब आप खुद कर रही थी. तो जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसके साथ आइसोलेशन जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज थी. क्योंकि आप बीमार हैं और काफी बीमार हैं और आपने अपना ख्याल भी खुद ही रखना. मतलब आपने आपके पास कोई भी नहीं है. एक डॉक्टर आएगा जो कि आपको ड्रिप मुझे लग रही थी उस वक्त भी घर में और वो मुझे फ्लैजल भी दे रहा था और पता नहीं जो जो कुछ वो बेचारे कर सकते थे. ट्रायल एंड एरर है ना अभी तक भी. खांसी नज़ला था कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं. बुखार एंड नौजिया एंड पेट में दर्द कांस्टेंट और वॉमिटिंग्स और बुखार हाई फीवर. अच्छा, आपको उस वक्त जो खाने पीने की चीजें थी उसका टेस्ट स्मेल ये सब आना जाना हो रहा था कि नहीं? आई थिंक उस वक्त मेरा टेस्ट खत्म हो चुका था बिकॉज मीना ने मुझे एक कोई राइस की कोई सम शी सेंट इन समथिंग कि अम्मा ये ले ले लेकिन बहुत मिर्चे हैं. एंड आई सेड नहीं बेटे इतनी तो नहीं है. सो मेरा ख्याल है कि मेरा टेस्ट जो था ना वो खत्म हो चुका था. और ये सब आप फोन पे बच्चों से बात हो रही होती थी? बाहर बात कर रही थी, चीजें रखी थी. बट आफ्टर द फिफ्थ डे आई थिंक मैंने 10 दिन घर में गुजारे जिसमें से 5 दिन मुझे याद है. उसके बाद मुझे याद भी नहीं है क्या हुआ. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई वाज कॉलिंग एवरीवन. आई थिंक आई कॉल्ड यू. यू गेव मी द नंबर ऑफ समबडी. यासिर का नंबर दिया था मैंने आपको. फिर आपकी यासिर से बात हुई. एंड देन आई कॉल्ड दैट डॉक्टर जो आपके शो पे आई थी. शोभा. यस. एंड देन आई कॉल्ड डॉक्टर अली जो के बिग बैंग में होते हैं. हां, डॉक्टर अली काजमी. हां, आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड हिम. आई कॉल्ड ईच एंड एवरी डॉक्टर दैट वाज इन माय फोन बुक. हां हां. एंड आई आस्क्ड देम व्हाट टू डू बिकॉज़ मुझे ये लग रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है. और हमें पता नहीं क्या करना है बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग बेटर एट ऑल. मतलब कुछ भी जो कहते हैं ना फर्क पड़ा आज मैं बेहतर हूं कल से, आज मेरा बुखार कम है, नथिंग वाज हैपनिंग. आई वाज कांस्टेंटली ऑन द फोन, ऑन द फेसटाइम विद माय brothers and my family and I'd say one second and then I'll vomit and then I'll go back to the phone and life was miserable. So 5 days ke baad I lost track. Uske baad kab kaise hospital gayi? Zahir hai us waqt unconscious thi. Kya hua ye janne ke liye aaj khaas taur pe inki beti as an actress hamare paas nahi, as an Rubina Ashraf ki beti hamare paas hai jisko aap bahut sare mukhtalif drama mein dekha hai. Jo hai na wo ab mera आपका बाजू बन गई है वो मेरा बचाने वाला फरिश्ता है जिसने मुझे बचाया है. यस, शी इज द वन. तो शी माय ब्रदर माय हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स माय सन. लेकिन असल में
शी डिडंट लेट मी गो. शी वॉज द वन जो मुझे अभी आयशा से मैं बात करी थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, हमारी कोलीग हैं आयशा खान. शी गॉट कोविड अभी पिछले दो हफ्ते पहले. आयशा कॉन्टेक्ट. अच्छा, आयशा खान. हाँ. अच्छा. सो उसका बहुत स्लाइट माइल्ड था. अच्छा. गॉट ओवर इट विद इन आई थिंक 3 days. अच्छा. सो आयशा वॉज सेइंग कि जब हम लोगों को कॉल करते थे, क्योंकि हम आपके घर में ज्यादा नहीं कॉलिंग करते थे, तो हर किसी ने ग्रुप्स बनाए हुए थे. अच्छा. सो वीड कॉल पीपल, तो वो हर कोई हमें कहता था वो तो गई. तो कहती थी कि फिर मैं मीना को परेशान होकर कॉल करती थी कि मीनू मैं ये सुन रही हूँ अम्मा का क्या हाल है, एंड मीना वुड से आई विल नॉट लेट हर गो. आई नो, बिकॉज हम भी उससे कॉन्स्टेंट टच में थे. आइए मीना को बुलाते हैं हमारे शो पे. मीना आ जाओ. हेलो. असल आज सही कोऑर्डिनेटेड कपड़े हैं आपके हिसाब से. समझ नहीं आएगा. साथ ही बैठो. कैसी हो? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. लेकिन ये यार वो फ्लैशबैक में चले गए हम वो वाले दिन जो बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन गुजर गए. लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई. समझ नहीं आ रहा था क्या करें. लेकिन उस दिन हमें एक बहादुर छोटी रुबीना अशरफ नजर आ. एग्जैक्टली. मतलब कि आपको नहीं पता होता कि आपके बच्चे कैसे. हम ये हमें देख रहे थे, हमारे तो बच्चे मम्मी डैडी बच्चे, हमने तो इनको बड़े नाजों से पाला है, बड़े परों के अंदर रख के पाला है. लेकिन मैंने ये देखा है कि जहाँ माँ स्ट्रांग होती है ना, वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटी स्ट्रांग ना हो, क्योंकि वो चीज़ वो माँ से सीख रही होती है, चाहे हमें खुद नहीं यकीन होता. तो मैंने वहाँ जब आप हॉस्पिटल में थी, तो मैंने एक छोटी रुबीना अशरफ मीना के अंदर देखी कि ओ माय गॉड, ये तो अपनी अम्मी जैसी है. आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा? एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. कहते हैं ना कि मुझे कोई, हम एक प्ले कर रहे थे अनवर मकसूद साहब का, मैं और जहीर खान, हम यहीं स्टूडियोज में कर रहे थे ARY के लिए. और उसमें एक सीन था कि डाकू आते हैं. तो वो जाहिर है कि जिसके पास नहीं आए होते उसको पता नहीं होता कैसे. तो हमने सोचा क्या करें, यूं करें. ऐसे रुक जाओ, मेरे घर डाकू आए हुए हैं, सो मुझे पता है. और डाकू जब तक आते नहीं हैं, आपको पता नहीं होता आप क्या करने वाले हैं. आपने एक प्लान बनाया होता है जिंदगी में कि जब कभी भी ऐसा होगा, सारी दुनिया के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होगा, जब होगा तो मैं सब कुछ दे दूंगी. आपको ये नहीं पता होता कि आपका रिएक्शन उस वक्त क्या होगा. आपको बिल्कुल नहीं पता होगा. सो जब मेरे साथ कभी जिंदगी में ऐसा हुआ था, तो मैंने कैसे रिएक्ट किया था, फिर मैंने वो उस हिसाब से उनको समझाया और हमने किया. हाँ. तो ये जो हुआ है ना कोविड में हम सबके साथ, ये ऐसे ही हुआ है कि डाकू आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा. शी डिडंट नो हाउ शी वुड रिएक्ट. आई डिडंट नो हाउ. मैंने ये वो बच्चा है जिसको मैं कहती थी कि मीना तुम जिस घर में भी जाओगी ना, उन बेचारों के साथ बड़ी ज्यादती होगी. अब मैं ये कहती हूँ कि मेरी बच्ची जिस घर में जाएगी वो कितने खुशकिस्मत होंगे. इतनी केयरिंग है ये, कितनी इसको मतलब लाइक मुझे लगता है फैसले लेना आते हैं कि मुझे इस वक्त ये करना है कि ये करना है. मीना वो 5 दिन जो अम्मी ने बताए अपने हवाले से, उसके बाद तुमने भी मुझे बताया था कि अम्मी को कुछ होश नहीं. तुम लोग दरवाज़ा कैसे तुम लोग अंदर पहुंचे थे, मतलब लाइक अम्मी ने बात करना बंद कर दी थी, फिर क्या हुआ, ये कैसे हॉस्पिटल शिफ्ट की गई? आई थिंक बात करना बंद कर दी थी इनिशियली बिकॉज फ़ोन नहीं उठा रही थी. तो जो आपस में हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं, अबू, नवल, मेरे मामू जो थे, वो सब की कोऑर्डिनेशन जो थी ना, किसी से वो बात नहीं कर रही थी. तो तब ये डिसीजन मेरे मामू ने लिया कि इट्स टाइम कि अब हमें समझ नहीं आ रहा. इवन जब उन्होंने डॉक्टर्स भेजे तो उन्होंने कहा वो बहुत अनकॉन्शियस सी हैं, सो इट्स बेटर कि हम 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर देखते हैं. तो बस वो उस पर ऑफ द मोमेंट में हमने पहले सोचा था हम सुबह लेके जाएंगे. डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा सब सही है, सब सही है. बट शाम में नवल इनके कमरे में अपना पीपी सूट पहन के गया था, तो उस वक्त नवल इनका बेटा है. जी. तो उस वक्त क्या कहते हैं, उसको भी लगा कि इनको ऑक्सीजन जो है वो अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब इन्होंने उसने पहली दफ़ा इनको लगाया तो कहा था ये लाइक मॉनिटर किया जब, तो कहा था लो थी. तो जब इनको डाला ऑक्सीजन पे तो ही कैसे, ये तो तुम लोगों ने मुझे भी नहीं बताया.
ऑक्सीजन पे ऑक्सीमीटर से इन्होंने सैचुरेशन चेक की होगी ना. ओ नहीं सॉरी, नेब्यूलाइजर दिया था. अच्छा अच्छा, उससे बेहतर हो रही थी. अच्छा, उससे सैचुरेशन बेहतर हो रही थी. ओके, तो वो बार बार ना थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइक ग्रुप में तस्वीर खींच के भेज रहा था कि अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई है. मैं लोगों को ये बताती चलूं, ऑक्सीमीटर जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब कोरोना के लिए पहले से ही ये चीजें घर में होनी चाहिए. ऑक्सीमीटर एक ऐसी चीज होती है, सांस उखड़ना, सैचुरेशन, हार्ट बीट, वो सारी उसके अंदर आ जाती है. आप फिंगर पे लगाते हैं तो वो एक छोटी सी डिवाइस होती है जो वैसे तो 3,500 की मिलती थी, लेकिन कोरोना में 6,000 और 9,000 की उसकी प्राइसेस हो गई थी. मतलब लाइक अभी सबको इसका अजर देगा. बिल्कुल. तो वो वाली चीजें घर में आपने पहले से रखी नहीं थी. वो पहले से थी. वो जब इनको, जब इन्होंने कहा तबीयत खराब हो रही है, पहले ही दिन सब, पहले ही दिन सब कुछ अरेंज होके रख दिया गया. बुखार चेक करने वाली डिवाइस, बिल्कुल ऑक्सीमीटर, विटामिन, बिल्कुल तो हम पहले से ही ले रहे थे. विटामिन्स एंड द पैनाडोल्स केम इन. सना मक्की भी पहले से आ चुकी हुई थी और हम ले रहे थे थोड़ी बहुत. अच्छा, उससे जब तुम्हें हुआ था, वी वेंट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ सना मक्की. ओके, बट देन असल बात यह है कि मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि आइसोलेशन और तबीयत खराब, हमें आदत ही नहीं है. हम बीमार होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं. वी गेट ऑल काइंड ऑफ हेल्प. हमारे कोई सर दबा रहा है, कोई हमें कुछ खाने को बार बार पूछ रहा है. ये जो बीमारी है इसमें सबसे तकलीफ दे बात आइसोलेशन है. एक तो आप बीमार हैं और बीमार भी इस लेवल के हो जाते हैं. जिन लोगों को प्रॉपर हुआ है, अल्लाह मियां सबको अपने मान में रखे, जिनको हल्का हुआ है, दे वर लकी वंस, मगर जिनको प्रॉपर हुआ है उनके लिए आइसोलेशन वाज द किलर. मतलब अल्लाह ताला ने, मुझे तो लगता है कोविड इसलिए कराया कि मैं नर्स बनूं अपनी बेटी और अपनी मियां की. सेड ओनली अल्लाह मियां नो. दवाइयां देना टाइम पर, उनको नेबलाइज कराना, ये सब चीजें मैं करी थी क्योंकि मुझे छींक भी नहीं आई थी. तो मुझे लग रहा था कि लाइक मैं इसीलिए हूँ कि वो उन लोगों की केयर कर सकूं. क्योंकि दोनों कैसे करते हैं, यासिर को तो आदत ही नहीं है, तो पानी को भी हाथ में उसको रख के देना पड़ता है. तो वो तो वैसे ही वो सुस्ती में नहीं उठ पाते. उसको अंदाजा नहीं है यासिर को कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी दैट यू वर देयर एट दैट टाइम. बिकॉज मुझसे पूछे वो कहते हैं ना आइसोलेशन मुश्किल नहीं है. आइसोलेशन जब बीवी खिदमत कर रही हो तो मुश्किल नहीं है. मेरे लिए बहुत मुश्किल है रुबीना, पर मेरे 6 साल का बच्चा था जो 14 दिन मेरे लम्स, मेरे हाग के बगैर है. मतलब चलो हम देख लेते थे, लेकिन छोटे बच्चों को अम्मा का चाहिए होता है. जैसे मैं घर पहुंचती हूँ तो आता है भाग के, तो वो सोचती हूँ ना मेरा दिमाग हो जाता है कि वो 14 दिन जैसे मैं उससे दूर रही. आई नो. और ईद थी, पहली दफा हुआ कि ईद पर हम लोग दूर रहे. वो बहुत तकलीफ दे चीज, वो शायद कोरोना की तकलीफ उतनी नहीं थी. I know. हमारे बच्चे हमसे दूर थे. आई रिमेम्बर द पिक्चर दैट यू पुट इन ईद पे. तुम लोग ऊपर थे ऑन द बैल्कनी और दो बच्चे लड़के नीचे थे. Yes. और वो जो एक्सप्रेशन था उसकी शक्ल पे, दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग. बड़ा वाला वाज ओके, ही टुक इट इन अ स्ट्राइड, वाज जाहिर है. बट द छोटा वाला, ही वाज लुकिंग एट यू पीपल लाइक, इतनी तकलीफ थी उसकी शक्ल पे और उसको देख के इतना दिल जो था वो कट रहा था. थोड़े दिनों बाद मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती थी, सीढ़ियों के नीचे बुला के उसकी शक्ल देखती, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं वो उस वक्त खाना खा रहा होगा कि नहीं. वहां तो मैं रोप से खिला लेती थी, वो दूध पी रहा होगा या नहीं. तो वो यासिर तो शायद बाप इतने थोड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो तकलीफ मेरे लिए बहुत थी 14 दिन. और जैसे ही मेरा टेस्ट नेगेटिव आया, उस वक्त सिला और यासिर का नहीं आया था, मैं भाग के गई हूँ उसके पास और सारा दिन वो मेरी गोद में बैठा. उफ, लाइक टोटो. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. कोरोना ना इतना आसान नहीं है, सीरियसली. जो हमारे यहाँ सब ने, सब्जी वालों सब ने मास्क उतारे हुए होते हैं ना, आसान नहीं है इसको उतना हल्का नहीं ले. नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं ले. ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रुबीना पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मैं आपको कहा था ना आज का शो बड़ा मिला जुला है. हम फेस्टिव शो रखने का सोच रहे थे, इसीलिए हमने ये सब डेकोरेशन किया है इनकी खातिर. लेकिन इसमें इमोशंस भी होंगे और ये बहुत मिली जुली कैफियत है. सरप्राइज भी होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी आप लोगों के लिए. रुबीना आपा हमारे साथ है विद मिना और हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या इन्होंने बेयर किया ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि लोग फिर उसको बहुत इजी लेना शुरू हो गए. आई थिंक ये थोड़ी सी अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है. हाँ. क्योंकि एक दफ़ा आप जब चले जाते हैं ना वहाँ जी, तो जिन लोगों को बहुत माइल्ड भी हुआ है ना, हाँ. वो भी ये कहते हैं कि हमें बाद में ठीक होने के बाद भी, हाँ. रिकवर, हमें पता चला है कि यू नो हमारी बॉडी
इज नॉट 100%, हमारे ऑर्गन सही काम नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी और ऑर्गन पे इफेक्ट हो जाए. मेरे एक देवर हैं, तारिक के कज़न हैं, ही हैड कोविड, मेरे साथ ही उनको हुआ था, वो ठीक हो गए, अब उनका हार्ट इफेक्ट हुआ. ओ, और ये पता चला कि कोविड के दौरान ही इफेक्ट, बाद में अभी मतलब 6 महीने बाद. हर ऑर्गन कैसे ले रहा है उस 2 महीने के या 1 महीने के या 15 दिन के पीरियड को, वो आपको पता नहीं चलेगा. जब कभी कुछ आएगा तब पता चलेगा. और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हो गया. वो ही हैड नो हार्ट, क्योंकि वो एक तो ब्लड वेसल्स जो हैं कि इसमें आपको ब्लड थिनर्स लगने ही लगने हैं, क्योंकि क्लॉटिंग होती है. क्लॉटिंग होती है. अच्छा, जब इनको करोना होता उस वक्त हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही, और वो अभी भी नहीं मिल रही, और उस मतलब लाइक उस वक्त बहुत मुश्किल था. तो तुम लोगों ने कैसे जगह ढूंढी, क्या किया, कैसे जब इनको फैसला किया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, अब सब ने, मामू ने भी कह दिया, सब ने फैसले ले लिए, तो फिर जगह कैसे ढूंढी? भैरोज अंकल, उन्होंने सुबह से रूम करवाया हुआ था. हाँ. और उनको आई थिंक वो रोज़ फ़ोन करते थे अपडेट लेने के लिए. हाँ. तो उन्होंने एक जब एक रात पहले किया तो बाबा निषाद ने कह दिया था कि तुम फिर भी अरेंज करवा के रख लीजिएगा. हाँ. क्योंकि उनके जानने वाले थे. हाँ. तो सुबह हमें उन्होंने कॉल किया कि इस वक्त मेरे पास एक प्राइवेट रूम है कोविड वार्ड के अंदर, तो अगर लेके जाना है तो अभी हॉस्पिटल ले जाओ. पर उस वक्त हम श्योर नहीं थे. अच्छा. कि लेके जाना है नहीं लेके जाना, सब मिलके कोई एक डिसीजन नहीं ले सक रहे थे. रात में जब ले लिया और बाबा ने कहा, भैरोज अंकल ने कहा मैं भी आता हूँ, तुम लेके आओ, तो रूम जब पता किया तो उनके पास सेमी प्राइवेट रूम था. okay. और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त, क्योंकि कोविड पेशेंट के साथ कोविड पेशेंट को रखना भी उतना ही रिस्क है. हाँ. और आपको नहीं पता आपके साथ कौन होगा. और वो एक मिक्स वार्ड थी. okay. कोई ऐसी नहीं कि कोई फीमेल वार्ड या मेल वार्ड, सब okay. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमें बस वही उस वक्त लेना पड़ा. और ये सब जो थे वो चले गए थे हॉस्पिटल. अच्छा, जब हॉस्पिटल गए तो इनकी तबीयत और ख़राब हो रही थी. कुछ आपको कोई इंजेक्शंस भी लगे थे, लाइफ सेविंग इंजेक्शन? वो तो बाद में लगे. अच्छा, थे जब आईसीयू में आ गई थी, क्योंकि पहले वार्ड में गई थी. कितने दिन तक वार्ड में रही या फिर आईसीयू शिफ्ट हुई? एक दिन वार्ड में. हाँ. जैसे सुबह गई हैं और नहीं, हाँ रात को गई हैं, तो अगला पूरा दिन वहाँ पे थी. जैसे मैं गई अंदर, मैंने रूम देखा, डॉक्टर मुझे लेके गए जबकि वार्ड में अलाउड नहीं था, पर मैं बाहर ही थी, तो उन्होंने कहा मैं आपको दो, क्योंकि परेशानी थी कि अंदर हमें क्या पता क्या हो रहा है, अंदर क्या हो, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देते अंदर. तो उन्होंने हमें अलाउ किया, तो मैं अंदर गई, जाके देखा, सब वापस आ गए, सब ठीक है. उस वक्त कुछ इतना उन्होंने बोला कि हाँ है, लंग्स में इन्फेक्शन है, पर कुछ इतना सीरियस नहीं था. रात अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बीच में बताया था लाइक अम्मी को कुछ होश नहीं हो रहा. वो उस जब ये गई थी तो ये बिल्कुल ज़ोन्ड आउट था. जैसे होता है ना, टेल यू ना कि 5 दिन I was fine. And the next 5 days when I called you and Yasir and everybody in the city, उस वक्त मुझे नहीं पता कि उसके बाद का तो मुझे याद भी नहीं है. लाइक बहुत बाद में जब मेरे पास मेरा फ़ोन आया और मैं पिक्चर्स देख रही थी, तो I saw a picture जो मैंने ली हुई थी, वो पता चल रहा था बिकॉज मेरा पैर था उसमें और नवल बैठा हुआ था अपना पीपी सूट पहन के. एंड ये लोग उस वक्त मेरी कदरे बेहतर तबीयत थी जब इन्होंने मुझे फ़ोन दिया. उससे पहले तो जाहिर है फ़ोन मेरे पास छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं था. ये कोई मेरा ख्याल है 10वां दिन था हॉस्पिटल का या शायद उससे भी ज़्यादा. तो आई सेड नवल मेरे पास सूट पहन के आया था किसी वक्त? उन्होंने कहा हाँ, आपको और भी कुछ पूछना हो तो पूछे, बिकॉज इनको अंदाज़ा था कि मैं बीच में से काफ़ी सारी चीज़ें ब्लैकआउट हो चुकी. ओके ओके. सो आई सेड दे सेड हाँ, वो आपके पास कमरे में एक दिन आया आपको देखने के लिए, फिर आपके पास बैठा रहता था सूट पहन के, और उसने सारा कंडक्ट करता था, क्योंकि इनको जब लगा कि हमें अब अंदर जाना चाहिए, मैंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया था. मैं आप सब से बातें कर रही थी, डॉक्टरों से और सब, थिंकिंग के मेरे घर वालों को नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये कर भी नहीं सकेंगे कुछ. तो शायद मैं हूँ ना वैसी OCD और कंट्रोल फ्रीक, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा. सो आई वॉज कॉलिंग everyone एंड आई wasn't टॉकिंग टू them. अब मैं वो फ़ोन कॉन्वर्सेशंस देखती हूँ जो नवल के साथ मेरी हैं. वो कह रहा है माँ खाना खा लिया? मैं कह रही हूँ यस. अम्मा आपने ट्रैंकुलाइजर नहीं लेनी, आपने अपना ध्यान रखना है. ओके. मतलब जवाब भी नहीं दे रही थी ठीक से. मैं छोटी सी बात कर रही थी बिकॉज मैं शायद गुस्से में चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ था. तो आई आस्क्ड नवल कि जब तुम कमरे में आए थे तो मैंने क्या कहा था तुम्हें बेटा? कहते हैं आपने मुझे कहा था कि तुम्हारी ऐनक कहाँ है. हाँ, यानी थोड़ी बहकी बहकी बातें भी कर रही काइंड ऑफ, क्योंकि उसको उसने कहा अम्मा. मैंने कहा
तो कहता है फिर मैंने आपको कहा आपको याद है 3 साल पहले हमने लेजर कराया था, मैं अब ऐनक नहीं पहनता. आई थिंक आई ट्रेवल्ड बैक इन टाइम और समथिंग. नो, आपको वॉमिटिंग हुई थी, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो गए थे भाई आपका, आप मुस्तकिल वॉमिट कर रही थी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ के होते थे तो वो मुझे वो हमारे साथ ऐसी ही कन्वर्सेशन कुछ करती थी, हम कहते ये क्या, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वो होता है. जब ये ICU में पहुँची उस वक्त फिर क्या हो? बस रात का आई थिंक 1 बज रहे थे तो हम सब एक ही कमरे में थे क्योंकि आपस में बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या करना है. तो फ़ोन बाबा ने उस दिन पहले दिन तक साइलेंट नहीं किया, तो उस वक्त फ़ोन आया एक नॉर्मल लैंडलाइन नंबर से, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और हम उनको ना ICU में शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको ब्रीदिंग में बहुत इश्यू हो रहे हैं. अब हमें सिर्फ ये पता था ICU इज़ नॉट ए गुड न्यूज, तो हमने कहा अच्छा, उन्होंने कहा आप आ जाएं वरना नहीं तो आप सुबह आ जाइएगा और ICU की तरफ आइएगा, ऊपर वार्ड में नहीं जाइएगा. तो हम बहुत पैनिक हो गए, हमने मैं बाबा ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, हम हॉस्पिटल गए और वार्ड के बाहर जाके बैठ गए. तो उस वक्त नीचे ICU में कमरा ही खाली नहीं था, क्योंकि 6 CCU में एक्चुअली 6 कमरे थे. तो हमने कोई ऑलमोस्ट 4-5 घंटे बाहर एक सोफे पे बैठे हुए वेट किया कि अब ये जब वहाँ से निकलेंगी और बस यूँ निकलेंगी लिफ्ट में और नीचे जाएंगी तो हमें पता तो कि ये नीचे वार्ड में ही जा रही है या पता नहीं, यू नो आपको कभी भी हॉस्पिटल्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. अच्छा, जब ये ICU में गई तो इनको इंजेक्शन लगे कोई ऐसे इंजेक्शन अगले दिन? हाँ जी, जब ICU में चली गई और हमने मामू को बुला लिया तो डॉक्टर जो मैं जिनसे मिली थी उन्होंने मुझसे कुछ अजीब बहुत सारे सवाल किए, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये मुझसे सवाल क्यों कर रहे. लेटर ऑन रियलाइजिंग कि वो इंजेक्शन एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होंगे. सो तकरीबन कितने के? मुझे नहीं पता एक्चुअली. अच्छा. नहीं पता क्योंकि वो डिपार्टमेंट मैं नहीं देख रही थी. अच्छा. तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मुझे बता दें कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है तो ये लगा सकते हैं, दीज आर लाइक ऑल्टरनेटिव्स जिससे लंग्स बेटर हो सकती हैं. तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें लिख दी और वो बस मैंने मामू को दे दी थी कि आप इसके बारे में आप होमवर्क कर लें. तो अगले दिन सुबह और शाम नहीं, पहले प्लाज्मा लगा. अच्छा, प्लाज्मा पहले प्लाज्मा उन्होंने बोला, तो हम प्लाज्मा लेने गए ऑल द वे. अब मैं यहाँ तुम्हें रोकूंगी क्योंकि मैं प्लाज्मा के बारे में लोगों को बताना चाहूँगी. क्या डॉक्टर शौकत आ चुके हैं? हाँ, प्लीज़ उनको बुलाएं. उसकी रीज़न ये है कि मैं लोगों को भी बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है. मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले भी दिखा चुकी शो पे लेकिन अभी दोबारा दिखा रही हूँ कि यासिर ने ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया, लाइक ब्लड से प्लाज्मा निकला. वो क्या प्रोसीजर होता है ये मैं आपको एक दफ़ा अपने शो पे दिखाऊंगी. प्लीज़ ज़रा वो वीडियो लगा सकते हैं मेरे टीम वाले जी, प्लीज़ लगाइए. अस्सलामुअलैकुम, आज 20 जून है और मैं प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ. मेरा COVID-19 पॉजिटिव आया था. मैं ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग मेरी बात को थोड़ा भी सुनते हैं, आप लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करें. ये सवाब भी है और नेकी है. ये आपको अल्लाह ने एक मुश्किल मर्ज, एक मुश्किल आजमाइश को डाला था और उसी आजमाइश से अल्लाह ताला ने बाहर निकाला है आपको. तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करके आप अपनी इंसानियत का हक अदा करें. तो ये वीडियो बनाने का मकसद सब ये है कि कोई एक भी मेरी बात सुन लेता है और अमल कर लेता है तो मुझे खुशी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से उसको अजर मिलेगा और सवाब जी. तो ये जब यासिर रिकवर हो गए थे तो उन्होंने अपने ब्लड के थ्रू प्लाज्मा डोनेट किया और जो हमें कन्विंस करने वाले थे कि कुछ नहीं होता क्योंकि हम डरे हुए थे कि आप मतलब लाइक डर लगता है आप रिकवर हुए हैं और आप अपना खून दे रहे हैं और उसमें से ये निकलेगा, वो समझ नहीं आती कितना दर्द होगा क्या होगा, जब तक आप खुद नहीं जाते आपको पता नहीं चलता. डॉक्टर शौकत अली हमारे साथ हैं जिनके ताल्लुक डाव मेडिकल हॉस्पिटल से है. वहाँ ये लोग प्लाज्मा इस तरह लोग इनको आके डोनेट करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो जो हैं वो ज़ाहिर है तुम लोगों को चार्ज किया होगा प्लाज्मा का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों से आप लाइक हमने फ्री प्लाज्मा डोनेट किया और लाइक इन्होंने फ्री आगे लगाया भी. मुझे इसके बारे में बताएं, प्लाज्मा क्या सिनेरियो और लोग अब आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये मुझे बताएं डॉक्टर शौकत, फिर मैं आगे बढ़ूँगी.
थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग इस बड़ी ख़राब किस्म की बीमारी से रिकवर हुए. प्लाज्मा के बारे में बताता चलूं कि जब ये शुरू हुआ था कोविड 19 का पूरा सिनेरियो, तो कोविड स्टार्टेड विद कन्फ्यूजन एंड स्टिल अ कन्फ्यूजन. अभी तक मेडिकल कम्युनिटी जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है इसके बारे में क्लू. अभी तक बहुत सारी चीज़ें अननोन है जी. सो व्हेन इट स्टार्टेड, तो इस तरह जब पिछले दौर में भी इसी तरह होता था कि जब कोई नई डिजीज स्टार्ट होती थी जी. और तो उसके बारे में यही था क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं. अच्छा. उसके खिलाफ तो जब कुछ नहीं पता था और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, सो मेडिकल कम्युनिटी थॉट अबाउट कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी कुड डू कि हम एक शख्स का प्लाज्मा लेके अगर दूसरे शख्स को ट्रांसफर करें जो रिकवर्ड है, तो जो रिकवर्ड पर्सन है, जो रिकवर्ड हो गया, जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अगर एक शख्स का प्लाज्मा लेके दूसरे को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो रिकवरी के चांसेस हैं. लोगों को बताएं एंटीबॉडी क्या होती है. राइट. एंटीबॉडी असल में जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई जरासीम जाते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको फाइट करने के लिए जो है आपकी बॉडी का जो मुदाफती निज़ाम है, कुव्वत-ए-मुदाफियत जिसे कहते हैं, तो ये मुदाफती निज़ाम जिन मॉलिक्यूल्स को डेवलप करता है उनको एंटीबॉडीज कहते हैं. मतलब आप इसे आसान अल्फाज में कह सकते हैं, आपके गार्ड, आपकी आर्मी जागती है कि हमें लड़ना है वो जरासीम जो बाहर से आए, जो बाहर से आए उनको. तो जब कोई शख्स रिकवर हो जाता है कोविड 19 से, तो उसके जिस्म में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, यानी आर्मी डेवलप हुई भी हो, आर्मी डेवलप हो गई. हाँ. अब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्मी खुद डेवलप हो जाती है इस पूरे प्रोसेस में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुदाफती निज़ाम इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो इस डिजीज के पाथ पे आगे निकल जाते हैं. जैसे अभी रूबीन अशरफ साहिबा ने बताया कि वो आगे निकल गई, पहले 5 दिन तो ठीक थी लेकिन अगले 5 दिन जो है वो उसने ओवरकम कर लिया इनको, इनकी आर्मी फाइट नहीं कर पाई किसी भी वजह से. उसकी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें अगर कोई पर्सन डायबिटिक है और कोई हाइपरटेंसिव है या उसका जो है इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे केस में ये ओवर पावर कर लेता है. आप डाइट करती रही हैं लेकिन वो भी कोई 3 साल पहले है ना, और 3 इयर्स ago. और एक वजह ये भी हो सकती है कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, जो उसका लोड आया है वायरस का, वो ज्यादा है फॉर बॉडी टू फाइट ऑफ. ठीक है. ऐसी सूरत में आपको बैरूनी इमदाद की जरूरत होती है जो प्लाज्मा के जरिए यानी एंटीबॉडीज के जरिए आपको मिल सकती है. ठीक है. अब इसका सिनेरियो ये कि जिस जमाने में इनका सिलसिला शुरू हुआ था उस जमाने में तो प्लाज्मा पे बात हो रही थी और ये लोग ये कह रहे थे कि प्लाज्मा अगर एक शख्स का दूसरे को ट्रांसफ्यूज करे तो उसको बचाया जा सकता है. लेकिन प्लाज्मा के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी अटैच होती हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है और उसमें जो है ब्लड ग्रुप मैचिंग की भी ज़रूरत होती है. एक खास अमाउंट से ज़्यादा दूसरे को ट्रांसफ्यूज भी नहीं कर सकते. अच्छा. तो उस वक्त हमारे यहाँ डॉ यूनिवर्सिटी में वी स्टार्टेड अ रिसर्च कि वी थॉट के ठीक है प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज ज़रूर मौजूद है, बट जो उसके साथ जो नेगेटिविटीज अटैच है अगर हम उनको दूर कर दें यानी अनवांटेड चीज़ों को निकाल दें और सिर्फ उन एंटीबॉडीज को प्योरीफाई कर लें तो ये ज्यादा बड़ा कारनामा होगा. इट विल बी सेफ एंड मोर इफेक्टिव. तो फिर उसके लिए आपने क्या किया? तो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डॉ यूनिवर्सिटी में जिसमें हमने लोगों से प्लाज्मा इकट्ठा किया, उन लोगों से जो रिकवर हो गए थे, यानी अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लोग, अलग अलग आपने प्लाज्मा इकट्ठा किया और फिर आपने उनको पूल किया. हाँ, और उनको पूल करके उनमें से एंटीबॉडीज को प्यूरिफाई किया और कंसंट्रेट किया, यानी अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लोगों को मिला के और उसके अंदर से प्यूरिफाई करके एक मेडिसिन सॉर्ट ऑफ चीज, एक मेडिसिन, क्योंकि प्लाज्मा इज नॉट अ मेडिसिन, इट्स एन इमरजेंसी प्रोसीजर. ठीक है. और ये जो हम डेवलप कर रहे थे इट्स अ ड्रग. अच्छा. जो बिल्कुल उसी तरह प्रोड्यूस होती है जिस तरह कोई ड्रग मार्केट में. इससे फायदा हुआ कुछ? तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पूरा क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया अभी डॉ यूनिवर्सिटी में जिसकी रिपोर्ट हम सबमिट करा रहे हैं. इसकी अभी जो आउटकम है वो आपको बता दूं, हमने 50 लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें स्टडी में एनरोल किया था. अच्छा. और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लाज्मा की ज़रूरत थी और जो हमने जमा किया ऑल द वे और अभी हम वी मैनेज लास्ट वीक टू कंप्लीट दैट क्लिनिकल ट्रायल. नवेद रजा जो है उन्होंने भी आके यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट किया था. अच्छा. मतलब लाइक लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है. हाँ. क्योंकि डर के मारे नहीं, आपको देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ खून देने भी शुरू शुरू में लोग डरते थे, कितना उनको समझाया सवाब है ये है. तो अभी प्लाज्मा भी देने के लिए लोग थोड़ा सा घबरा रहे, डर रहे, क्योंकि मुझे बता रहे थे कि लोग अब नहीं आ रहे उस तरह डोनेट करने जैसे पहले आए थे. जब यासिर ने अपनी वीडियो लगाई थी यहाँ पे तो फिर लोगों का डर खत्म हुआ कि अच्छा देखो यासिर उसको मतलब लाइक क्या कहते हैं उसे, किसी एंडोर्स कर रहे हैं. हाँ. यासिन ने एंडोर्स किया कि जाएं जाके नहीं कुछ भी नहीं होता. हाँ. क्योंकि उसके बाद वो सेहतियाब था, कुछ भी नहीं उसको फील हुआ. हाँ. जी, क्योंकि हम कितना भी कहते रहे लोग जाहिर है वो सुनना चाहते हैं उन लोगों से. हाँ. जो खुद डोनेट कर रहे हैं. आप कह रहे हो डॉक्टर साहब ने वैक्सीन बना ली है? नहीं, इट्स नॉट अ वैक्सीन, इट्स एन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी थेरेपी. अच्छा. सो
अच्छा अब मैं कहानी पे आगे बढ़ती हूँ. प्लाज्मा लगाया, अम्मी को प्लाज्मा भी इफेक्ट नहीं किया. फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास कोई टॉसी इंजेक्शंस थे. हाँ. तो उन्होंने कहा उसकी दो डोजेज लगेंगी 12 घंटे के डिफरेंस से. तो हाँ. फिर हमने वो अरेंज करवाई. वो एक सुबह लगी, एक रात को लगी. उसका भी रिजल्ट तकरीबन 72 आवर्स बाद, 48 टू 72 आवर्स बाद आ रहा था. अभी जब, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, अभी जब बहरोज वाज इन द हॉस्पिटल, जी जी, ही इज, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हुए उसे वापस आए, और उसके भी लंग्स बहुत खतरनाक तरीके से इन्फेक्ट हो गए थे. तो तब उसको भी टॉसी लगना था एक दिन, और फिर वो उसके लिए स्पेशल आपसे कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं. टॉसी कहते हैं, टॉसी वो नाम पूरा कोई और है, उसका एक शॉर्ट टॉसी है. सो अब तक हम रिसर्च, जितनी रिसर्च है दुनिया में, वो ये बता चुकी है कि जो दो दवाइयाँ हम लगा रहे थे अर्लियर, एक टॉसी है, एक रेमडेसिविर है, वो दोनों अब बैन हो गई हैं क्योंकि उनके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं. सो आई हैड अ चैट विद शहरोज. मैंने कहा शहरोज मगर टॉसी तो, शहरोज ने कहा, उन्होंने मुझे कहा है कि अब टॉसी लगाना पड़ेगा. वैसे वो तो अब बैन हो गया है और वो तो बहुत, उसने कहा मैं ये देख रहा हूँ हालत हाला, लेकिन आपका भी देख रहा हूँ और बाबा की फाइल साथ साथ रख के सारी स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज लाइक अ केस स्टडी फॉर एवरीवन. सो ही सेड लेकिन इस वक्त हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा. तो हम एक्चुअली ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हमें करनी पड़ी थी उस वक्त जो कि खतरनाक थी, जिनके के रेपरकशंस जो हैं वो, जो जिन जिन को लगी उनकी बॉडीज जो हैं वो पता नहीं है, डॉक्टर साहब वुड नो बेटर. अच्छा फिर उसके बाद आपकी सर्जरी किस चीज़ की हुई? मैंने सुना उसके बाद कोई किसी चीज की सर्जरी हो गई. उसके बाद ये हुआ था कि जब मैं बिल्कुल तकरीबन आई रिकवर्ड, मेरी सांस बहाल हो गई थी, जो असल चीज थी, बिकॉज मेरी सांस ही नहीं आ रही थी. ओके. मेरी जो ऑक्सीजन का लेवल था वो मेरा ख्याल 25 लीटर्स तक जा चुका था. लेकिन टॉसी लगने के बाद आप रिकवर हो गए? नहीं, टॉसी, रेमडेसिविर सब लग गया था और मेरी ऑक्सीजन सही नहीं हो रही थी. और जो आपके वो होते हैं ना ऑक्सीजन के वेंट्स, वो मैक्सिमम आपको 15 से 20 दे सकते हैं ऑक्सीजन बॉडी को, और मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो 25 पे जा चुकी थी. सो वो कहते थे वेंटिलेटर पर डाल दो, ये लोग कहते थे सवाल ही नहीं, वो कहते थे वेंटिलेटर पर डाल दो. देन दे चेक द होल वर्ल्ड के दुनिया में अगर किसी की रिक्वायरमेंट 20 से ज़्यादा है जो कि इनपुट है हॉस्पिटल की, तो क्या करना है. तो एक मशीन डिस्कवर की थी डॉक्टर साहब, वो कोई हाई फ्लो नेजल कैनला था. वो पैप और वो सी पैप नहीं, उनके बीच वो उससे भी ऊपर की चीज़ थी, वो 100% आपकी बॉडी को देती, यानी वो वेंटिलेटर और सीपैप के बीच की चीज़, बीच भी नहीं. ये एक रिप्लेसमेंट ढूंढा है, मतलब जो है वो वेंटिलेटर पे जाने से पहले लोग सीपैप पे चले जाते हैं. हाँ. तो बजाय सीपैप पे डालने के उनको हाई फ्लो नेजल कैनुला पे, ताकि रिपीट करें उसका नाम हाई फ्लो नेजल कैनुला. जी, हाई फ्लो नेजल कैनुला. ये कैसा होता है? क्या मशीन जो कि पूरे उस वक्त कराची में एक जगह पे एक मशीन ओनली अवेलेबल थी, आगा खान में थी या किसी दुकान पे? इवन दो जियाउद्दीन पे ये मशीन अवेलेबल थी, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया इसलिए था क्योंकि वो बार बार हमें वेंटिलेटर की बता रहे थे, बिकॉज समवन हैड टू साइन द पेपर्स. ओके. सो जब इनकी हालत बहुत खराब थी, हमारी एक फैमिली फ्रेंड जो लियाकत में डॉक्टर थी वो आती थी इनको विजिट करने. अच्छा. तो वो बार बार मुझसे ये पूछती थी कि वेंट के पेपर्स तो नहीं साइन करवाए इन्होंने, बिकॉज किसी भी दिन तुम आओगी सुबह और ये बोलेंगे रात को इन्होंने वेंट पे डाल दिया, तबीयत खराब हुई थी, तो तुम चेक करो. तो जब चेक किया तो किसी ने नहीं किए हुए थे, तो मैं इनसे पूछती थी क्या हम करेंगे. और उस दिन हमने जब डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने हमें कहा कि ये एक मशीन हमारे पास है बट इट डजंट वर्क, क्योंकि इसके कोई मैकेनिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं. फिर वो वर्क किया इन पे? नहीं. तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको ठीक करवा सकते हैं तो माय मामू इज वेरी रिसोर्सफुल बिकॉज ही वर्क्स फॉर द हॉस्पिटल. ओके. सो उन्होंने उनको कहा कि आप अगर चेक करवा सकते हो कि कहीं इसका कोई जो भी पार्ट मिसिंग है वो आप करवा लो, तो हम ये कर लेंगे. तो मामू ने ट्राई किया, नहीं हुआ. बट देन ही फाउंड समवन जिसके पास ये मशीन उस वक्त लंदन से आई थी. तो उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि आपके पास मेरा दो ऑप्शन है, आप अगर हॉस्पिटल रिफ्यूज कर देता है ये मशीन खरीदने से, बिकॉज इट वाज 600,000 रुपीज फॉर दैट मशीन, तो आप पैसे जमा करो, 6 लाख रुपए की है, आप पैसे तैयार रखो
मशीन आपको 4 बजे पहुंच जाएगी। तो हमने कहा हॉस्पिटल का हमें समझ नहीं आ रहा था, तो उस वक्त हमने डॉक्टर को यही कहा कि अगर आप लोग परचेज नहीं करना चाहते ये मशीन, तो हम परचेज करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे पेशेंट को ये लगा दें। हाँ। एंड जिस वक्त वो बंदा वो मशीन लेकर आया था, तो वो उसने सेट वेट की, कुछ ऑक्सीजन के इश्यूज हो रहे थे, और वो आया बाहर बैठा था, वो मुझे समझा रहा था कि ये मशीन अप टू 90 liters ऑफ ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर सकती है। और उसने मुझे कहा था कि आज मैं ये लगा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आप मुझे फ़ोन करके कहेंगी दीदी ठीक हो गई है। दीदी इज माई व्हाट माई ब्रदर्स कॉल्ड। तो वो बहुत ही कोई मामू का कोई जानने वाला था। तुम लोगों ने खरीदी क्या हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल ने परचेज की। आई थिंक प्रेशर बहुत ज्यादा था उनको। जो कि सही भी बात थी। और से फर्क पड़ा आपको? उन्होंने मुझे लगाई है वो मशीन और वो मेरे नाक में, एंड आई सेड, क्योंकि उससे पहले ये हो रहा था कि मुझे ये लोग कह रहे थे करवट ले लें, उल्टी लेट जाएं। मैं कहती थी सीपैप या बाईपैप कौन सा था जो लगा था, वो बहुत इनके फेस को नथिंग वाज वर्किंग हर्ट कर रहा था, तो मैं बहुत प्रेशर था, तो मैं करवट बिल्कुल नहीं ले पा रही थी। और जब इन्होंने मुझे वो लगा दिया तो मैंने कहा बताओ कहाँ करवट लेनी है। उस बंदे की बात बिल्कुल ठीक थी कि उसने कहा कि ये मशीन लाइफ सेवर है, ये आपको एक लाइफ टाइम दे देती है वेंट पे बचाने के लिए। अच्छा, फिर वो मशीन लगने के बाद आपको थोड़ा बेहतर फील हुआ? मैं थोड़ा नहीं, मुझे ऐसे लगा मैं दुनिया में वापस आ गई। She was on 25 liters and went down to 2 liters almost in a week's time. अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और ब्रेक के बाद मैं उस बारे में बात करूँगी कि जब फेक न्यूज़ लोग अपने पेजेस की लाइकिंग और इस तरह न्यूज़ चैनल्स बढ़ाने के लिए करते हैं, तो फिर ख़ानदान वालों पे, जो आपकी इमीडिएट फैमिली, उन पे क्या असरात होते हैं? ज़रा ये भी इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई कि हम सब परेशान, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, पहले ही इंसान टूटा हुआ है, बीमार है और तकलीफ़ में, और बाद में उसे पता चल रहा है मेरे लिए तो ये न्यूज़ डाली जा रही है। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रुबीना अशरफ के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रुबीना आपा हमारे साथ हैं, रुबीना अशरफ हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह से सेफ एंड साउंड, हेल्दी आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो वो जो लोग हैं जिन्होंने गंदी गंदी खबरें फैलाई, मैं ज़रा वो खबर आपको दिखाती हूँ, ज़रा दिखाइए ज़रा भाई मेरे क्या हुआ ये ज़रा हम जानते हैं। मेरी टीम वो खबर दिखाए कि इस तरह मेरे लिए भी, मैं कहीं पेडिक्योर, ये देखे ज़रा, ये मीना ने, जी जी जी, ये मीना ने जस्टिफिकेशन दी थी कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि खुदा के लिए गलत खबरें, जस्टिफिकेशन भी दी थी, और उसने जिसने लगाई थी उससे लड़ाई भी की थी, उसने कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा तुम मुझे नहीं जानते। हाँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही तो, उसका नंबर निकाला, उसको फोन किया, और वो अपोलोजेटिक भी नहीं था। कोई रैंडम कोई नहीं होते वो अपने पेज को बढ़ाने वाले, और वो कह रहा है आपने मुझसे बदतमीजी कैसे की है, आपने मुझे ये लिखा कैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगी। आज एक आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने जो लगाया उससे हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। उस पे उसको कोई फर्क नहीं था भाई, वो खानदान वाले जो पाकिस्तान से बाहर हैं इनके। हाँ। उनका क्या हाल हुआ होगा? जस्ट इमेजिन कि बजना बंद नहीं हो रहा था, हम बंद नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें हॉस्पिटल से भी कुछ भी कॉल आ सकती थी, और हम इतने पैनिक में थे। वो कोई 3-4 घंटे जब तक ये लगाई, और फिर आगे वो अपने आप ही लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दी, पर किसी का कोई पता नहीं, कुछ भी पैसे बनाने के लिए कुछ लोग भी नहीं सोचते। न्यूज मैंने अपने शो पे खड़े होके बोला खुदा के वास्ते ऐसी फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। मैंने इंट्रो दिया उसके ऊपर कि ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, आपकी दुआओं की उन्हें जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सब ने जो जो अपने उससे इंस्टा से वो सब चीजें कर सकता था, सब ने इसी तरह शेयर की। बहुत तकलीफ दे था वो सब, है ना, बहुत। आपको तो कुछ होश ही नहीं होगा। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे तो सिर्फ एक फाइट थी जो मैं वहाँ पे कर रही थी, क्योंकि मैं लड़ाई कर रही थी, मुझे ये बताओ तुम क्या लगा रही हो, मुझे ये बताओ तुम क्या लगा रही हो, ये कितनी देर में खत्म होगा, ये क्या है, ये इससे क्या होता है। दैट बिकॉज मुझे काफी देर तक तो ये लगा कि मैं अकेली हूँ अभी भी, और यू नो कोई ये लोग सारा वक्त मेरी फैमिली ने, जो सबसे कमाल बात है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि आपने अपने पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना। जितना भी आप उसके करीब जा सकते हो, जैसे भी आप जा सकते हो,
ये सॉलिटरी बहुत खतरनाक चीज है. यू कांट लेट योर पेट. आप ये आपको डॉक्टर जरूर कहेंगे कि नहीं बताएं, लेकिन आपको आपकी हिम्मत बढ़ती है. कोई आप अपना देख लेते हो तो यूं था, उन्होंने क्यूबिकल्स बना दिए थे ना हॉस्पिटल में और उसमें शीशे लगा दिए थे कि यहाँ से आप देख सकते हैं. तो मेरे ये लोग दरवाजा खोल देते थे, देन दे स्टैंड एट द डोर फॉर द होल डे. देन गो, फिर मैं कहती थी अच्छा आप तुम चले जाओ, बिकॉज मुझे लगता था ये थक गए होंगे. तो मैं इनको कहती थी मैं सोने लगी हूँ, बट दे वुड बी देयर विद मी राइट इन फ्रंट ऑफ मी. फिर तारिक एक पीपी सूट पहन के आ जाते थे और मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे. फिर मैं देखती थी सामने वाले दरवाजे में एक बच्चा है जो मुस्तकिल, मुझे सिर्फ उसकी बैक नज़र आती थी और मैं देखती थी ये खड़ा है. इसको 2 घंटे हो गए हैं, इसको 3 घंटे हो गए हैं, इसको 4 घंटे हो गए. मैं सोचती थी ये लेके जाएगा वापस अपनी माँ को, क्योंकि उसकी मेरा ख्याल है अम्मी थी उसकी, वो कोई और पेशेंट जो थी वो अंदर जाती थी. हाँ, हाँ वो बिल्कुल मेरे मेरे दरवाजे के सामने था उनका दरवाजा, और वो बच्चा शीशे में खड़ा रहता था जस्ट टू शो द पेशेंट इनसाइड दैट आई एम हियर, आई एम हियर. मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप कैसी हैं. सो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी. एंड द फैक्ट दैट यू हैड टू, उस वक्त आपने सेव करना था हर किस्म की बुरी खबर से, बुरी चीज़ से. मुझे ये इंटरनेट पे चीज़ें लाला के देते रहते थे, ये देखे वो देखे, आई कीप माई सेल्फ एंटरटेन्ड. एंड देन मैं गई हूँ हॉस्पिटल ऑन द 5th of June. मैं बीमार थी 25th से, मेरा ख्याल है ईद का दूसरा दिन कुछ ऐसा ही होगा. तो 5 June को मैं गई हूँ और 9 June को कोविड से मेरी जिठानी फौत हुई है. ओ ये ला, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया. होता है का आप? हाँ, बिकॉज माई आई टोल यू ना, मेरी सारी फैमिली इफेक्ट हुई थी. एंड मैं कोई होश में आई हूँ जब हॉस्पिटल में अराउंड द 10th 11th. तो मैंने मीना से पूछा बेटे मेरा फ़ोन आपके पास है? शी सेड है, लेकिन आपके फ़ोन में कोई गड़बड़ होगी, मैंने बनने दिया है. दे वर जस्ट सेविंग मी फ्रॉम फेसबुक कि अगर मैं खोल लूँगी तो उस वक्त वो सारी फैमिली जो मेरी भाभी के लिए बातें कर रही हैं, वो मैं इस हालत में अगर ये सुनूंगी तो पता नहीं मुझ पे क्या इफेक्ट होता है. ये बहुत इफेक्ट. यासिर भी जब सुन बीमार था और वो सुन रहा था इधर उधर, लोग उसे SMS करके भेज रहे थे, तो वो उसने कहा यार ये क्या है, मुझे नहीं देख रहे. मुझे नहीं देख. एंड देन व्हेन शी फाइनली गेव मी द फोन बैक, जब मेरा वो सेवियर लग गया, मैं उसको अपना एनाकोंडा कहती थी क्योंकि इतनी मोटी ट्यूब थी और फिर वो नाक में लगा था जो 100% मुझे ऑक्सीजन दे रहा था, हाई फ्लो नेजल. तो मैं, मेरे में जान आ गई ना, तो फिर मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल गया. शी गेव मी माई फ़ोन, आई वुड टॉक टू देम. तो मैंने कहा बेटे मेरा फेसबुक नहीं चल रहा. इसने कहा हाँ वो कोई गड़बड़ हो गई थी, मैं बाद में ठीक करा दूँगी. मैंने कहा चलो, मैंने कुछ खास करना भी आपको नहीं बताया. नहीं पता. मैं 7 July को घर वापस आई हूँ. उससे पहले हॉस्पिटल में मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैंने उनको कॉलिंग करनी शुरू की. आई सेड आई हैव टू कॉल भाभी एंड आई हैव टू नो वो कैसी हैं. उनका फ़ोन बंद था, इट वॉज नॉट आंसरिंग. आई सेड फोन बंद है, कभी ऐसा हुआ नहीं. एंड देन आई कॉल्ड अनदर, यही जो मैं बता रही हूँ मेरा देवर हैं जो अभी भी अभी तक मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट वेल. सो आई कॉल्ड हिम, ही क्राइड, आई क्राइड, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया. मैं पूछती रही भाभी कैसी हैं, वो ठीक हैं, बेहतर हैं. घर वापस आ गई. नाउ आई एम कॉलिंग हर अगेन 7 तारीख के बाद से, एंड उनका फ़ोन नहीं मिल रहा. एंड आई एम सेइंग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? और उस वक्त तक भी नहीं बताया. नहीं, उस वक्त एक नई कहानी बनाई कि उनको हमने शिफ्ट कर दिया, उनकी बहन को भी कोविड था तो वो दोनों इकट्ठी रह रही हैं ताकि एंटरटेन रहें और हम खाने वाने भेज रहे हैं. एंड शी इज़ फाइन, वो बेहतर हो रही हैं, एंड शी इज़ नो मोर. अच्छा ऐसा ठीक है. उसके बाद फिर एक दिन मैंने उनके बेटे को फिर हालत पूछने के लिए अम्मी कैसी हैं फ़ोन किया. तो कमाल सेड के अम्मी की आज कुछ तबीयत ख़राब है, मेरा ख्याल है हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. आई थिंकिंग अच्छा. एंड देन ही सेड मुझे लग रहा है चाची उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा. आई सेड ओ शिट, तारिक जाएँ पता करके आएँ. और तारिक कह रहे हैं अच्छा मैं जाता हूँ. मैं कह रही हूँ तारिक खाने से पहले चले जाते, तारिक जा क्यों नहीं रहे हैं? हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ. मीना उनका पता करो भाभी को आज हॉस्पिटल ले गए हैं. एंड शी सेज अच्छा मैं करती हूँ. एंड नोबडी इज पिकिंग अप द फोन. बाबा ऑफिस चले गए एंड आई वांट टू नो कि वो कैसी हैं. तारिक गए हैं हॉस्पिटल के नहीं? आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस. आप हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं बस जाने वाला हूँ. आई मीन वो किस ट्रॉमा में थे मुझे बचाने के लिए इस इफेक्ट से. तो आई सेड मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है. एंड आई सेड कि ये तो और मुझे लगा आज ही कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे पिछली बात नहीं समझ आई. एंड आई सेड तारिक उनको कुछ हो गया है, आप मुझे बता दें. और फिर तारिक घर वापस आए. सेड क्या दफना के आए हैं तारिक? ही सेड हिम्मत है, सुनना है. आई सेड हाँ, वो 9 तारीख को फौत हो गई थी, तुम 5 को हॉस्पिटल गई थी, 9th she went away.
एंड देन द होल फैमिली केम ओवर बिकॉज उनको पता था कि अब वो मुझसे मिल सकते हैं क्योंकि वो अप फ्रंट हैं, सब कुछ बता सकते हैं और मैं जानना चाहती हूँ. तो दे वर ऑल ओवर, 10 मिनट में वो सब आ गए बिकॉज सारा दिन में इन्होंने ये प्लान किया था कि चाचू घर जाएंगे, वो मुझे बताएंगे. एंड देन दैट हेल्प मी बिकॉज क्लोजर तो अभी तक नहीं हुआ बिकॉज अभी भी आई कीप थिंकिंग अबाउट हर, वी ऑल कीप थिंकिंग अबाउट जो इस वक्त में लोग गए हैं क्योंकि क्लोजर नहीं मिला हमें. जैसे हम भेजते हैं लोगों को, जैसे हम उनके पास बैठना चाहते हैं, जैसे हम उनकी बीमारी में उनकी खिदमत करना चाहते हैं. एग्जैक्टली हम खिदमत करना चाहते हैं, वो हम कुछ भी नहीं कर सके. बट माई फैमिली वॉज, आई थिंक मेरी माई होल फैमिली वॉज सच अ ब्लेसिंग. माई ब्रदर, आई जस्ट टेल यू दिस लिटल थिंग, मेरा भाई लाहौर से 3 दफ़ा आया. एक भाई मेरा दुबई में है, एक वर्जीनिया में है और एक लाहौर में अपनी बीवी को अटेंड कर रहा था बिकॉज वो भी कोविड से उस वक्त बहुत ख़तरनाक, उसका 45 दिन बाद मेरे भी बाद पॉजिटिव हुआ था, नेगेटिव हुआ था. सो आई एंड दिस यंगस्ट जो सबसे छोटा मेरा भाई है, वो जाता था, वो आता था, मैं कहती थी अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ. जाता था लाहौर से, लाहौर से गाड़ी खुद चला के, उधर उधर बीवी है, यहाँ बहन है, सारे बच्चे हैं, हर वक्त का. इन लोगों ने कितनी दफ़ा वो कराए हैं अपने टेस्ट, क्योंकि हॉस्पिटल से घर जाते थे, फिर हॉस्पिटल आते, फिर वो लाहौर जा रहा था, फिर सबका होता था टेस्ट. कितने करोड़ टेस्ट कराए, मेरा ख्याल है करोड़ों ही टेस्ट कराए हैं इन सब ने. सो वो तीसरी दफ़ा जब मैं फाइनली, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कैसे मैं हॉस्पिटल, वो ऑपरेशन मेरा हो गया, फिर वो आ गया. आई सेड गोनी, हॉस्पिटल वाले भी यही कहते थे आप फिर आ गए हैं, क्योंकि वो फिर आ जाता था. तो इस जब मैं तीसरी दफ़ा आ रहा था, दीदी ही कॉल्स मी दीदी, दोनों छोटे वाले, तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, सब तो और तो कोई भी नहीं जा रहा, आप क्यों जा रहे हैं. तो मैंने उसको कहा, अरफात सेड दैट, मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए जा रहा हूँ बेटा. उसने कहा कि क्या मतलब मेरे लिए. उसने कहा इसलिए कि तुम्हें पता चले कि बहन कितनी बड़ी चीज़ होती है, एंड दिस इज़ हाउ यू बिहेव when somebody immediate in your family gets unwell. Yes. Yeah. Oh my God. Yeah. बहरहाल अब 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 painful जो है. ये दिन गुजर जाते हैं लेकिन दिमाग में जो है चीज़ें असबर हो जाती हैं. अभी अभी डॉक्टर आयशा ने हमें ज्वाइन इन किया है. डॉक्टर आयशा सब जानते हैं, मुझे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डाइटिशियन भी हैं, प्रॉपर डॉक्टर भी हैं, खाली न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है बल्कि प्रॉपर मेडिकल पढ़ के और वो उस फील्ड में हैं. इनका पूरा ख़ानदान, हस्बैंड भी आ खान के एम्प्लॉय हैं, वो भी डॉक्टर हैं. ये इन्होंने मुझे बताया, अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये इन्होंने वैक्सीन करवाई है, इन्होंने इनकी पूरी फैमिली ने वैक्सीन कराई, उसके बारे में हमें बताया. मैं हस्बैंड और बेटा, यू शुड बी 18 प्लस टू गेट वैक्सिनेटेड. अच्छा, सो क्या प्रोसीजर है वो भी बताएं कि क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का सिनेरियो हो रहा है. वी शुड बी वेरी प्राउड कि आगा खान हॉस्पिटल इज डूइंग दिस, ठीक है. एंड उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किधर के हैं, कितने की है वैक्सीन. Actually, you get paid for this. यानी कि आप वैक्सीन कराएं, सीरियस, आपको पैसे देंगे. मुझे लग रहा था कि दुनिया में फ्री लग रही है बिकॉज दुबई में माई ब्रदर गॉट वैक्सीनेटेड. तो मैंने पूछा कि तुम्हारी इंश्योरेंस से पे हुआ या क्या, उसने कहा नो नो नो, इट वाज फ्री. पाकिस्तान में दुबई इज फ्री. हां, बट पाकिस्तान में तो पैसे दिए जा रहे हैं बिकॉज लोगों के अंदर स्केयर है कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, इसके अंदर हम अगर ये करवाएंगे तो हमारे अंदर कोई चिप डाल दी जाएगी, हमारी मॉनिटरिंग होगी, हमारी डेथ हो सकती है. लोग हमारे नहीं समझते बात को. सो दे वॉन्ट अस टू बी पार्ट ऑफ देयर रिसर्च, ठीक है. इट्स अ वैक्सीन फ्रॉम चाइना कॉल्ड एस कैंसिनो. अच्छा. और हम लोग गए, जैसे हम तीनों, मैं, अब्बास और बेटा मेरा, ही इज 18 प्लस, ही इज 21. तो जाके हमने कराया. दे हैव अ प्रॉपर कॉर्नर, वहाँ पे वो जाते हैं, आपका वो आईडी कार्ड नंबर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे कि इफ़ यू आर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव, जो उनका पार्ट ऑफ रूटीन है ताकि आपको कोई रिएक्शन या वो, और उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है. एंड पीपल शुड टेक पार्ट ऑफ, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई चीज़ का हिस्सा ही नहीं, कैसे हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है ना. हाँ, देखिए तो फिर आप, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, ये खत्म नहीं होगा, नहीं, इसको खत्म सिर्फ ये वैक्सीन करेगी, हमारी हिम्मत, जैसे कि बहुत सारी बीमारियों को वैक्सीन ने खत्म किया है. सो हम पहले ही दुनिया से बहुत ज़्यादा एक जहालत के मकाम पे हैं, क्योंकि दुनिया में इरेडिकेट हो गया पोलियो और हमारे पास अभी भी है. तो हमारे अब पास हम अगर अब अगर हम चाहेंगे तो हम कोरोना के साथ भी यही कर सकते हैं कि दुनिया में कोरोना खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में चलता रहेगा फॉर इयर्स. अच्छा, इसको इसको एंडोर्स करने के लिए इकरार गए हैं, इकरार ने जाके अपनी वैक्सीन कराई, वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस वक्त यही पे. हाँ, ये अच्छा, ये वीडियो नहीं है, पिक्चर है. इकरार ने
जाके खुद वैक्सीन कराई है वो देखें इंडस हॉस्पिटल में कराई है। आयशा ने भी यही से कहा क्योंकि इंडस में भी है इसका मतलब इंडस हॉस्पिटल और जाहिर है वहाँ पैसे चार्ज नहीं होते। लोग समझ रहे हैं पता नहीं कितनी महंगी होगी क्या होगा, वहाँ पैसे चार्ज नहीं हो रहे। आ खान तो वहाँ वैक्सीन कराने के पैसे भी पे कर रहा है और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई जिनको पैसे कहीं और से नहीं मिल रहे तो वो बार बार जाके अलग अलग शनाख्ती कार्डों से वो वैक्सीन करा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है भाई। मगर वो पता वो कह रही है कि पता चल जा रहा है because unka pura computerized system hai but ye aaj ki I think ye, this is the best news of today yes जो हमें पता चली है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था आपको भी मुझे नहीं पता अच्छा डेढ़ महीने पहले आप बड़ी बात जी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और आप सही हैं आपको चक्कर वैक्सीन कराने के बाद कुछ भी नहीं और ये है कि हल्का सा टेम्परेचर हुआ था फॉर अबाउट वन आवर बेटे को कुछ भी नहीं हुआ और अब्बास को थोड़ा सा लेग पेन हुआ था टांगों में दर्द जैसे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दे रेगुलरली कॉल यू वो आपको पूछते रहते हैं कॉल करते रहते हैं मैसेज करते रहते हैं आपकी तबीयत अगर खराब हो रही है इसके साइड इफेक्ट्स में दिया हुआ है कि थोड़ी बहुत देर को नौजिया या वॉमिटिंग हो सकता है चक्कर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं हुआ। आपको पहले कोरोना नहीं हुआ है? नहीं हम लोग आपकी पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं हुआ। डॉक्टर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके लिए? ये माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जो किसी भी वैक्सीन के साथ अटैच्ड होते हैं जी बिल्कुल तो ये माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन सिलसिला ऐसा है कोविड में कि एक और चीज आई है जिसे लॉन्ग कोविड कहते हैं जिसमें जो सिम्टम्स आप कैरी करते हैं ड्यूरिंग द डिजीज उसको आप अगले 60 डेज तक उसको फॉलो किया एक रिसर्च में कि 60 डेज तक ये तमाम के तमाम सिम्टम्स कैरी कर रहे हैं जिसमें जॉइंट पेन है 17 अलामत ऐसी हैं जो आप बाद में भी कैरी कर रहे हैं और बाद में अभी रिसर्च साबित करेगी कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डैमेज हो रही होंगी कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो रहे होंगे। इट्स बेटर कि आप उसको प्रिवेंट करें और यहाँ पर एक्शन लें क्योंकि ये सिर्फ जो जिनके आप जिक्र कर रहे हैं जो साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं और ये तमाम वैक्सीन के साथ होते हैं। बच्चों को जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं वो बताते हैं कि बुखार होगा होता है और फिर खत्म हो जाता है क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो आपको पता नहीं चलता लेकिन क्योंकि अब हम बड़े होकर हमें करवानी पड़ रही है तो जाहिर है लोगों को जिसको भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो जाहिर आके सोशल मीडिया पर बात करते हैं। मुझे अच्छे से याद है ये टाइफाइड वगैरह की वैक्सीन जो हम 5 साल के छोटे बच्चों को करा रहे हो उनको बुखार होता था होता है उनको आइसिंग करनी पड़ती थी तो ये और हम करवाते हैं बिकॉज कोरोना इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हमें वैक्सीनेशन करके ही इसको इस तरह से मात देनी जैसे बाकी सारी बीमारियों के साथ बाकी सारे रह रहे हैं ये भी एक एडिशन है हमारी जिंदगी में एक बाकी भी तो वायरसेस ही है ना पोलियो इज अ वायरस दीगर वायरस तो हम सबकी वैक्सीनेशन जैसे बच्चा पैदा होता है अगले दिन हम हॉस्पिटल में लाइन में लग जाते हैं कि अल्लाह मियां मेरे बच्चे को सेहत दे और हम वैक्सीनेशन करवा रहे होते हैं बुखार होता है स्वेलिंग होती है सब तो ये भी वैसे ही है हमें करवानी है। बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर इसको कोई प्रिवेंट कर सके विदाउट गोइंग थ्रू इट जैसे आप लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप किए मगर while going through it lekin agar koi without going through it agar kar le to wo badi 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 blessing hai uske aur jo antibodies humne develop ki hoti hain while going through it wo to khatam ho jati hain memory cell aapke phir bhi keep karte hain also got herself tested abhi unhone dobara test karaya to khatam ho chuki hai 6 months tak I think carry months I think abhi research is pe chal rahi hai ki ye aap kya carry karenge in antibodies ko ya nahi agar antibodies die down bhi ho jati hain wipe off bhi ho jati hain tab bhi aapke memory cell मौजूद होते हैं जो मेमोरी कीप करते हैं तो सेकंड टाइम जब इन्फेक्शन आता है तो ये मेमोरी सेल जल्दी एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। अच्छा अभी भी जैसे मैं कहीं शादियों में जा रही हूँ या कहीं तो लोग भूल गए कोरोना नो मास्क नथिंग वैसे ही गले मिलना वैसे ही बाजारों में भी जा रहे हैं मॉल्स में भी सब्जी वाले ये वो किसी ने मास्क नहीं लगाया होता। इनफैक्ट हम शूटिंग भी हुई तो मुझे चीख चीख के बोल रही होती मास्क लगाओ मास्क लगाओ वो पता नहीं क्यों खुद ब खुद मास्क उतार लेते हैं और यहाँ लगा हुआ। अच्छा नहीं वो यहाँ तक होता है नाक को खोल देते हैं वो तो आपको तो पूरा कवर करना है। नहीं ना वही तो मैं कह रही हूँ ये भी नहीं यहाँ गर्दन पे लगाया हुआ है मैंने कहा इस गर्दन पे लगाने से क्या फायदा है कि मास्क लगाया हुआ है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जो सुन नहीं रहे ना लोग इस तरह तो या तो कोई फाइन रखा जाए या एक हमारे कॉमेडियन है उन्होंने बकायदा एक वीडियो बनाई अपने किसी जानने वाले को वो अलग अलग जगहों पे लेके गए हैं जिनका नाम आसिम सन्नाटा है। मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे पता चला अच्छा ये आसिम सन्नाटा है। हाँ आपके हर घर में हमारे यहाँ तो फैमिली सिस्टम है सही बात हर घर में बड़े हैं और वो बहुत फ्रेजाइल हैं क्योंकि ओवर 60 अगर किसी को हो जाएगा तो आपको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है। हाँ सो उनकी भी फिक्र नहीं करते वही ना मतलब पॉपुलेशन को हमने सबसे इम्पोर्टेंट उनको बचाना है तो घर में जैसे स्कूल बंद किए हैं तो बच्चे तो उसमें से बिल्कुल बहुत माइल्ड होके गुजर रहे हैं लेकिन यही बच्चे जब घर लेके आ जाते हैं तो बड़े बूढ़ों तक पहुँचते हैं नाना नानी उनको दे सकते हैं उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं फिर उनको कंट्रोल करना इस डिजीज को बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जब आप
माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गई करोना से, उसके बाद आपको कहीं हड्डियों में दर्द ये वाली सब चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ी क्या? अभी तक आई एम मेरा प्रोग्रेस जो है वो अभी चल रहा है. माई हेयर लॉस वॉज रियली मतलब आप कह सकते हैं जैसे कैंसर का हेयर लॉस होता है ना, बिकॉज दवाइयाँ तकरीबन सारी वही थी. अच्छा. जो आपको कीमोथेरेपी में कीमो के अलावा बाकी सारी आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स लग रही हैं और एंटीवायरल लग रही हैं. सो वो उसके साथ आई एम स्टिल कोपिंग विटामिंस और वो सब कुछ और ध्यान अभी तक आप ले रही हैं प्याज और हुई हुई. का पानी और चावल का पानी एंड उसके अलावा लिम्ब्स में मुझे फील हुआ कि हाँ हड्डियों के साथ इशू है. देन आई टॉक टू माई डाइटिशियन एंड आई सेड मुझे कोई बोन ब्रॉथ पीना है, मुझे क्या करना है बिकॉज मसले हैं. सो ही सेड आपको लाइट आपको अपनी प्रोटीन जो है वो नॉन एनिमल लेनी है क्योंकि आपके अंदर यानी दालों के जरिए बीन्स के जरिए लोबिया दाल ग्रीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स इससे आपको अपनी एनर्जी लेनी है जैसे वीगन कह लो है ना. क्योंकि अगर आपका जो नॉर्मल प्रोटीन अंडा भी नहीं एनिमल अंडा भी नहीं एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं सो जो जो हैवी प्रोटीन्स हैं वो नहीं लेनी है. जो easily digestible proteins हैं वो लेनी है क्योंकि आपका सिस्टम इतना वीक है कि अगर आप अपने स्टमक को प्रेशर करोगी तो फिर आपके सारे ऑर्गन्स बाकी के भी ट्रॉमा में जा सकते हैं. ओ माई गॉड. काम आप शुरू कर पाई हैं यानी कि आप एक्टिंग की तरफ? काम मैंने किया क्योंकि एक काम ऐसा था मेरा जो कि कंटिन्यूटी में फंसा था मेरी वजह से रुका हुआ था. सो आई हैड टू डू दैट. उन्होंने बहुत सलीके से तरीके से प्रोटोकॉल के साथ काम किया बट आई वॉज स्टिल स्ट्रेस्ड. मुझे इतना स्ट्रेस था कि मुझे लगा कि अब मेरा ख्याल है कि ये जरूरी था अब जरूरी नहीं है. सो अभी आई टेक अ ब्रेक. ओके. सो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक. मैं अभी नहीं चाहती हूँ करना जब तक कि आई गेट वैक्सीनेटेड. अच्छा इंशाल्लाह वैक्सीनेटेड. हाँ ओके. यू आर नेचुरली वैक्सीनेटेड ऑलरेडी? आई डोंट नो. I'll still get vaccinated. डॉक्टर क्या लेते हैं हमें नहीं समझ आता. लाइक हमें मई में हुआ ना, हम लाइक मई में तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सिक्स मंथ्स ऑलमोस्ट जैन अब हमें 9 महीने हो गए पूरे. तो अब मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं दोबारा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होगा एक साल के लिए सेफ है. इतनी सारी चीजें हमें नहीं समझ आ रही. उन्होंने ये कहा कि आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं वो खत्म भी हो जाती हैं मगर आपके अंदर एक मेमोरी सेल मैकेनिज्म शुरू हो गया है कि बॉडी डिटेक्ट कर लेगी अगली दफा अगर आपके अंदर तो कोई ऐसा कितना आया तो फौरन बना लेगी एंटीबॉडीज. दैट्स व्हाट ही इस बारे में जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद. ये ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं इस बारे में कि क्या जिसको कोरोना हो गया है उसको दोबारा होगा और जो कह रहे हैं कि हमें दोबारा हो गया है वो क्या सिनेरियो है ये हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. रुबीना अशरफ आज हमारे साथ हैं माशाल्लाह सेफ एंड साउंड और आप सब लाइव उन्हें देख रहे हैं यहाँ. इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे, एक बात कर रहे थे कि क्या जिसको कोरोना हो गया है ये मिथ बनी हुई है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें तो दोबारा हो गया हमें तो. कभी कभार ऐसा भी होता है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ. मैं दुबई ट्रैवल कर रही थी और उसके लिए ट्रैवलिंग के लिए आपको टेस्ट लाजमी चाहिए होता है. तो मैंने आहा खान से ही टेस्ट कराया क्योंकि कुछ ही जगहें हैं मखसूस जो वो अलाउ करें. तो मेरे मियाँ और दो बच्चों का नेगेटिव टेस्ट आया, मेरा पॉजिटिव आ गया फिर से. ये अभी सितंबर की बात है, मुझे मई में हो चुका था. मैंने कहा ये क्या दोबारा कैसे मुझे फिर दोबारा ऐसे तो नहीं. अल्लाह मियाँ मेहरबान होगा मुझ पे कि एक दफ़ा भी ये सिम्टोमेटिक दूसरी दफ़ा भी ये सिम्टोमेटिक. फिर मैंने दोबारा चुगताई से टेस्ट कराया. जब तो चुगताई से टेस्ट कराया दुबई एयरपोर्ट पर टेस्ट कराया तो नेगेटिव. वो मेरा फॉल्स पॉजिटिव था. तो कभी कभार ऐसा भी होता है जिनको लग रहा है कि उनको दो दो दफ़ा कोरोना हुआ है तो हो सकता है पहले सिम्टम्स हो और कोई और उनको बीमारी और वो समझ गए. बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं कराया डर के मारे और उनको जब नज़ला खांसी बुखार होता था वो आइसोलेट हो जाते थे और कहते थे हमें कोरोना हो गया. और फिर उनको वाकई में जब कभी कोरोना हुआ और उन्होंने टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा हमें दो दो दफ़ा हुआ है. ये तो मैंने रिसर्च की है ये सब लोगों से बात करके कि ऐसा हुआ है. डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हम कितने अरसे तक सेफ हैं? अभी तक आपने लाइक अभी हम कोई थ्योरी तो नहीं दे सकते. नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन ही है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए असल में जब भी री इन्फेक्शन की बात होती है इसके बड़े ख़राब कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ख़राब कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स कोरोना से होकर निकला था रिकवर हुआ था
एंटीबॉडीज बनी थी और उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया. इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये भी हैं कि वैक्सीन भी कारामद नहीं होगी. इसीलिए दुनिया इसको बड़े जो है ना वो एहतियात से देखती है. ठीक है. जब भी इसकी बात की जाती है री इन्फेक्शन की तो लोग बहुत मोहतात होते हैं. तो जब शुरू शुरू में ये बात आई थी, जैसे आपने बताया कि फॉल्स पॉजिटिव के केसेस थे, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही था कि जिनको पहली बार शायद फॉल्स पॉजिटिव आया था और सेकंड टाइम जो उनको पॉजिटिव आया था उसकी वजह ये थी कि उनको एक फॉल्स सिक्योरिटी मिल गई थी कि हम तो प्रोटेक्टेड हैं. और जब वो सेकंड टाइम गए तो फिर उनको जल्दी इन्फेक्शन हुआ, फिर उनको पता चला तो उन्होंने उसको री इन्फेक्शन का नाम दिया. लेकिन मेडिकल साइंस के जो जर्नल्स हैं उनमें जो पब्लिश स्टडी हैं, कुछ रेयर केसेस जरूर एग्जिस्ट करते हैं और वो वैलिडेटेड केसेस हैं. अच्छा. कुछ केसेस जरूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी इसका कितना, इसका डायमेंशन या एक्सपेंशन कितना होगा ये अभी नहीं, इस पे बात नहीं की जा सकती, अभी अननोन है. अच्छा, एक और बात मेरी आपसे रह गई. आपने ये नहीं बताया कि सर्जरी क्यों हुई आपकी. आप बिल्कुल सही हो गई थी वो बात बीच में ही. हाँ, मेरा ख्याल है 30th डे था मेरा ख्याल हॉस्पिटल में मेरा, नहीं एक महीने से लिटिल ओवर अ मंथ, एक महीना और दो दिन थे. मैंने चलना फिरना इतना शुरू कर दिया था, सहारे के साथ मैं बाथरूम जा सकती थी. वरना मैं उठ के बैठ नहीं सकती थी खुद. मैं बेड को ऊपर करती थी और फिर somebody, two people would pull me up and then make me sit. So, you know, खींच के जैसे सिटिंग पोजिशन में करते हैं ना, एक तो आप लेटर लेटर यू हो जाते हो, देन सिटिंग पोजिशन में आपको थोड़ा सा बॉडी को पीछे करना पड़ता है. सो मैं आई वॉजेंट एबल टू. एक दिन मैंने कोशिश की, मेरी ऑक्सीजन लेवल जब ठीक हो गया कि मैं अपने नेल्स काट लेती हूँ, बिकॉज हालत बुरी हो चुकी थी ना. एक महीने से मैंने सर नहीं धोया था. जब मुझे होश आया तो मैं इन सबको कहती थी प्लीज़ कोई मेरा सर धुलवा दे. एंड देर से आप अभी अगर हम आपका सर धुलाएंगे तब भी आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा सकता है. क्योंकि मेरी जो कमज़ोरी की हालत इतनी ख़तरनाक थी. सो जब मैंने ये सब कतरा कतरा करके ठीक हो गया, मैंने कहा ठीक है आप दो कल हम घर जा रहे हैं. तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ हल्की सी पेन हो रही है एंड आई कुड नॉट प्लेस. आई सेड पता नहीं क्या है. केप्ट आस्किंग कि यहाँ है जो मेरी थेरेपिस्ट आती थी फिजियो वाली, उसने कहा मैं आपको मसाज कर देती हूँ. उसने हल्का सा मसाज कर दिया. बाय द नाइट टाइम जब ये घर में सब तैयारियाँ मेरे आने की कर चुके हैं और रिलैक्स हैं सब, घर जा चुके हैं कि सुबह आएंगे हम 8 बजे एंड देन वील स्टार्ट द डिस्चार्ज प्रोसीजर, तो हम ताकि दोपहर तक घर चले जाएँ. तो मेरी पेन जो थी वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई. आई केप्ट कॉलिंग पीपल के आके मुझे देखें. तो उस वक्त वो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं जो रात में सोने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर सोने के लिए आए होते हैं. तो उनको मैंने उसको मैंने कहा कि बेटे मुझे कुछ हो रहा है, मगर मुझे क्या हो रहा है मुझे, मगर ये बढ़ रही है, ये सुबह जितनी थी अभी उससे ज़्यादा हो गई है. जी सर, आपको प्रॉबेबली हमें वो ट्यूब लगानी पड़ेगी और ब्लैडर इज़ नॉट वर्किंग वेल. आई सेड लगा दो, कुछ भी कर दो, मैंने सुबह घर जाना है तो जो जो करना है आज कर लो मेरे साथ. तो उसके बाद मुझे वापस ना आना पड़े. सो दे इंसर्टेड अ ट्यूब. द यूरिन प्रॉब्लम हो रही थी बट इट वॉज फिक्स्ड, बट द पेन वॉज स्टिल देयर. देन दे टुक मी टू द अल्ट्रासाउंड नीचे कहीं बेड में, तो कुर्सी पे थोड़ी जाती थी, पूरा बिस्तर जाता था. तो बेड पे मैं अल्ट्रासाउंड में गई. द अल्ट्रासाउंड गर्ल सेड, वो जागी हुई थी, उसने कहा कि नहीं आपके ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, आपके कहीं साइड में मुझे एक मैस नज़र आ रहा है, बट वो क्या है मुझे पता नहीं चल रहा. और वो दर्द फिर जो बढ़ने, हम ऊपर आ गए एंड देयर वाज नोबडी. आई सेड केप्ट टेलिंग देम टू कॉल माय डॉक्टर. वो बेचारे जो कर सकते थे कर रहे थे. एक डॉक्टर के उसने कहा है कोई मैस, उसने फिर दोबारा मशीन ऊपर मंगाई. तब तक वो पेन जो थी ना वो ट्रेवल करके, और वैसी पेन मैं इवन चाइल्ड बर्थ वॉज नो वेयर नियर दैट. इतनी खतरनाक पेन थी कि मैं उनको, और मेरे पसीने छूट रहे थे सर में और पानी बह रहा था, और मेरी जो मशीन्स लगी हुई थी वो ये बीप 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 कर रही थी, क्योंकि यूँ नीचे जाती थी सैचुरेशन, यूँ वापस जाती थी और सैचुरेशन गायब हो रही थी. वो जो बड़ी मेहनत से 0.5 पे मैं हम ले गए हुए थे मेरा ऑक्सीजन का लेवल, वो मैंने उनको कहा बढ़ा दो, दो कर दो, चार कर दो, और मैं ये खुद ही कर रही थी पाँच कर दो, जल्दी करो मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही. एंड देन दे फाइनली सेड के यहाँ कोई आपकी कोई रप्चर की है बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट, आपको ब्लड थिनर्स लग रहे हैं उसकी वजह से आपकी वेन रप्चर, वेन या कोई कैपिलरी फ्लो ज़्यादा हुआ होगा ना ब्लड का, ब्लड का. सो वो रप्चर कर गई है और वो जमा हो रहा है वहाँ. And we have to take you in surgery. And they took me in surgery. And they had to operate the pura whole length of my stomach. क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सिर्फ ये है या कहीं कुछ और भी है, because diagnose करने का time था. और उसको तो उनको ये भी नहीं पता था कि ये actually vein rupture हुई या stoma कोई चीज़ होती है.
वो तो जब हमें उन्होंने अंदर मीटिंग के लिए जो सर्जन इनके फिजिशियन और जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे उन्होंने बुलाया था, सो उस वक्त बस एक मास शो हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये आइदर तो हमने मैं बाबा और मामू फ़ोन पे थे तो और जो लाहौर जा चुके थे और डॉक्टर टीपू सुल्तान हैं एक यहाँ पे डॉक्टर हमारे पास आए हैं शो जी सो वो फोन पे थे हमें बिल्कुल वो भी हमें साथ क्योंकि वो मेरे मामू के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो हेल्प मामू ने कहा कि अच्छा सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं हम सब फोन पे सुने पर मुझे ये पता है कि जब उन्होंने स्टूमा कहा तो यहाँ डॉक्टर टीपू और मेरे मामू ने ओ शिट कहा तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि ये कुछ बुरा है क्योंकि उससे पहले वो सब सुन रहे थे उन्होंने कहा कि जी वेन रप्चर होगी हम खोलेंगे वेन को स्टिच कर देंगे बट हो सकता है ये स्टूमा हो सकता है मुझे नहीं पता था वो क्या है पर जब उन्होंने क्या है स्टूमा बैग इट्स बैग लग जाता टू टू पी एंड टू गो यूज द बाथरूम उसके लिए सारी जिंदगी एक बैग अटैच हो जाता है यहाँ तो आप बाथरूम फॉर बोथ द रीजंस वुड बी इन अ बैग Oh my God. और वो फिर लाइफ टाइम एक स्टूमा बैग यहाँ होता है जिसमें आप अपना चीजें लेके कैरी करते हैं और वो कैरी करते हैं तो उस पे जब उन्होंने ये कहा कि ये तो मैंने इनसे पूछा कि ये आपने ये क्या होता है तो उस पे मामू ने कहा कि ये सारी जिंदगी के लिए इनको एक बैग लग जाएगा ये बाथरूम इनका बैग होगा तो दिस इज नॉट गुड मिना बट हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उन्होंने कहा कि जी आप हम ये दो ऑप्शन हो सकती हैं और हमें स्टिच ओपन करना पड़ेगा फिर आपकी इतनी बड़ी सर्जरी और वेंट पे जाना पड़ेगा उसके बाद जी ये वेंट पे गई थी फॉर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स उस पे प्रोसीजर के पेपर में था कि बिकॉज द लंग्स आर सो न्यूली रिकवर्ड हो सकता है कि वो वापस खुद ना आ सके तो वेंटिलेटर हैज टू बी एन ऑप्शन सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर्जरी होगी आप वेंट पे जाएंगी और फिर उसके बाद अगर बॉडी ने सिस्टम ने इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो अपने आप आ जाएंगे व्हेन शी केम टू सी मी सर्जरी के बाद उन्होंने अलाउ किया कि आफ्टर केयर में रख दिया और आ जाए सबा खाला वाज विद मी दैट टाइम सबा हमीद था जी सो शी सॉ इन एंड शी सॉ मी के वो इवेंट जिससे इसने सारा वक्त मुझे बचाया था एक महीना और पांच और मैं जा नहीं रही थी अंदर मुझे डॉक्टर साहब जबरदस्ती लेके जाना पड़ गया कि आप I was there on the ventilator lying. I don't know क्या visual था and she rushed back then you know. I think फिर सबा खाला ने कहा कि तुम चली जाओ मैं देखती हूँ कि तब I think वो जो last step था तब तक I had probably like lost my senses or anything. तो ये सारा शो बाबा ने मेरे मामू ने सबा खाला सारा डॉक्टर से समझ रही थी क्योंकि उसने जब सर्जरी कर दी तो स्टिच अप करने कोई और आता है तो उस सर्जन ने बुलाया और वो समझा रहा था तो उस वक्त तक मैं इतनी बौखलाई हुई थी कि मुझे कुछ नहीं पता था तो जब अम्मा की सर्जरी का हुआ तो मैंने सबा खाला को कॉल की बट शी इज लकी इनफ कि आपका वो रिपेयर हो गया उन्होंने क्लोज करके स्टिचेस लगा दी अगर दे वर नॉट एबल टू रिपेयर योर वेसल्स तो फिर आपका वो स्टोमा लग जाता वो फिर लाइफ टाइम आपका वॉशरूम बन जाता है बहुत करम अल्लाह विंस टू सच अ स्ट्रोमा साल आपके खानदान के लिए बहुत बुरा अल्लाह ने बचाया है आप सबके लिए ही बुरा था लेकिन आप मतलब लाइक जब तक हमने आपसे बात नहीं की थी हमें नहीं पता था कि सर्वाइवल था गुजरी हैं और यहाँ जब आपसे बात की आज लाइव तो पता चला ओ माय गॉड यू वर नॉट अलोन आपकी पूरा खानदान आपकी पूरी फैमिली मेरा खानदान तो था ही था मैं उन डॉक्टर्स और नर्सेज पे हैरान हूँ वो कितने लाइफ सेवर्स हैं कि मैं सोचती थी कि ये सारा दिन सारी रात एंड आई हैड द बेस्ट सेट ऑफ डॉक्टर्स God bless them, Dr. Osama, Dr. Mukesh, and then the surgeon that I had, Ashok. और फिर वो नर्सिंग स्टाफ जो कि उस वक्त तक मेरी फैमिली बन चुके थे बिकॉज उनकी कहानियाँ मैं सुनती थी उनसे बातें करती थी मैं उनको बताती थी इस वक्त मुझे ये हो रहा है प्लीज़ क्योंकि बच्चे नहीं पास तो कोई जब तक नेगेटिव नहीं आया तब तक पास बच्चे भी नहीं थे दिस नर्स सबा एंड ऑल दीज अदर गर्ल्स यार मतलब लाइक आई मीन आई इमेजिन मुझे जो कदर असल में आई है वो आप लोगों की आई है डॉक्टर्स की नर्सेज की नर्सिंग स्टाफ की कि कितने कमाल डॉक्टर रुबीना वाज देयर मीना रात के 3 बजे भी कॉल करती थी तो शी पिक अप द फोन एंड उनका कोई ताल्लुक नहीं था कोविड से कोई ताल्लुक नहीं था मेरी सर्जरी से बट उनको पता था कि इस वक्त ये पैनिक स्ट्रिकन घर वाले हैं एंड दे नीड एंड शी कम टू मी एवरी डे ऑलमोस्ट
मगर ये डॉक्टर्स और नर्सेज ये सब वसीले थे उस जात के जो उसको अल्लाह ताला ने जो आपको प्रोवाइड किए, तो आप इतनी लकी हैं एंड यू शुड बी थैंकफुल. आप तो बिल्कुल मौत के मुंह से देखते हुए वापस. एग्जैक्टली, ये सब लोग मुझे लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है, बिकॉज दे नेवर थॉट दैट देड, यू नो, कहते हैं ना कि चले इनकी मुश्किल आसान हो जाए. मेरा ख्याल है इन्होंने कभी नहीं सोचा. हाँ नहीं, कितनी दफ़ा लोग कहते थे कि आपको नहीं पता होगा कि इस वक्त वो कितना गिव अप करना चाह रही होंगी. जब पेशेंट अपनी विल पावर लूज कर देता है तो वो चला जाता है, चाहे कोई कितनी मेहनत कर. ऑब्जर्वेशन यही रही है इनकी, क्योंकि विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये फाइटर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सबकी सपोर्ट के साथ, उस रब की जात के मर्जी के साथ आपने अपने आप को खड़ा किया. सो मेनी टाइम्स व्हेन आई वुड थिंक के अब जब निदा के साथ में बैठूंगी ना, तो मैं निदा को ये भी बताऊंगी कि ये मुझे ऐसे हो रहा था एंड ऐसे हो रहा था, और ऐसे आई वुड कॉन्स्टेंटली यू नो आगे के प्लान में सोच रही होती थी और म्यूजिकल्स अपने दिमाग में प्लान कर रही होती थी कि अच्छा इसके बाद जब हम म्यूजिकल करेंगे तो ये एक नया फॉर्मेट है जिससे हम अपनी गेम खेल सकते हैं. सो आई वॉज प्लानिंग लाइफ अहेड ऑफ मी एंड एट द सेम टाइम मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी इस बात की कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. जब आप पहुँचते हैं ना उस हस्पताल के बिस्तर पर जहाँ आपको ये लग रहा हो, बिकॉज दे वुड टू टाइम्स इन द होल स्पैन, जब मैंने डॉक्टर से एक्चुअली खुद पूछा था, डॉक्टर साहब मैं जा रही हूँ, एंड दे सेड नहीं नहीं आपको कुछ नहीं, और आप कहीं नहीं जा रही. आई डोंट नो वो उनको वो सोच कह रहे थे, बट बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे नहीं कहा ये. सो उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये इतनी बड़ी नेमत है ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है, और हम बड़ी आसानी से सोच लेते हैं कि यू नो अच्छा ठीक है तो फिर हम मर जाते हैं या हम डिप्रेस हो जाते हैं, चले जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसको वी स्टार्ट गिविंग अप. एंड देन देयर इज़ अ वे जिसमें अल्लाह मियाँ हमें बताता है कि ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, ये मेरी चीज़ है. इट विल इवेंचुअली बी माई डिसीजन, जब मुझे लेनी होगी मैं ले लूँगा. तुम कोई नहीं हो सोचने भी वाले कि अच्छा चले हम चले जाते हैं, या तुम्हारे घर वाले भी कोई नहीं है सोचने वाले. सो डोंट थिंक लाइक दैट. आपकी स्टोरी सुन के तो ऐसे ही लगता है कि आप तो दो बार बच के आई हैं एक ही एपिसोड के अंदर, और एक ही उसमें डबल सर्जरी का बिल्कुल आइडिया नहीं था. और आज इसीलिए हमने कहा कि ये वाला जो शो है ये फेस्टिव शो है, और ख़ास जो आपका पूरा, मुझे पता था कि इनकी जो है ना इनको बहुत अच्छी चीज़ें पसंद है, तो मैंने कहा भाई ढूंढो वो इवेंट प्लानर जिसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हों, जो बहुत अच्छा सा सब सारी, तो मैं इसलिए मैं उसको बुलाऊंगी यहाँ पे. भेजो भाई ड्रीम टीम बाय राबिया खान के राबिया की. मुझे पता था कि रुबीना आप आओ ना राबिया. नहीं नहीं वो कोई और थी इसलिए नहीं. मैंने राबिया को चुना कि राबिया जो है उसकी चॉइस और जिस तरह की एस्थेटिक्स हैं वो इनके लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं. थैंक यू सो मच, एंड शी इज माय फेवरेट, एंड मीना नोज दिस एज वेल, बिकॉज आई वाज इन टच विद मीना अ मंथ बिफोर. आई सो मच वांटेड टू मीट यू एक्चुअली, सो आई वाज आफ्टर मीना दैट आप अपनी बर्थडे करें, आई विल गेट टू मीट रुबीना आंटी. थैंक यू. तो बस ये सब आपके लिए किया हुआ है, और हमने केक भी बड़ा प्यारा प्यारा सा है. केक किसका है? केक बनाया है जी, बेक फॉर यू बाय मारिया सिल्क. हमने केक भी काटना है आपके आमद की. जरूर बिल्कुल काटेंगे. बिल्कुल. गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको लंबी अच्छी से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे. आमीन. रीमा तुम्हारे इसके क्या नाम है? ड्रीम टीम बाय सॉरी राबिया जी. ड्रीम टीम बाय राबिया खान जी. बिल्कुल बिल्कुल. रीमा जैसे बाल है ना, तो रीमा ही. हम सब मिलकर यहाँ लाइक आप लोग नहीं हैं, लेकिन आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग वो थे जो दुआएं कर रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे रुबीना अशरफ के लिए, जिनको आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखते हैं, जिनके ड्रामे आप रुसवाई, जो आपका लास्ट प्रोजेक्ट था एज के एज अ डायरेक्टर, वो सबने इतने शौक बहुत ज्यादा. और वो अभी जब 2020 के ड्रामे डिस्कस कर रहे थे, तो रुसवाई उसमें सर फहरिस्त आ रहा था कि ये एक बड़ा अच्छा ड्रामा. वी आर मिसिंग मीना, वी वांट टू सी हर अगेन. यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बट आई अगेन वांट टू थैंक अ लॉट ऑफ पीपल, खास तौर पे मेरी फ्रेटर्निटी के जो मेरे दोस्त मुझे कॉल्स मैसेजेस करते थे ना, छोटे छोटे मैसेजेस एंड दुआएं जो वो मेरे लिए करते थे, बताते थे, मुझे पढ़ने को कुछ बताते थे. शगुफ्ता हर वक्त कॉल करती थी, इरसा, एंड दे वुड फॉर्म ग्रुप्स. वो बताते थे कि हमने ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं, सनम, नदीम, हमायूं, सब ने ग्रुप बनाया हुआ था, तो कोई एक हॉस्पिटल से इन टच रहता था और फिर सबको पूरे ग्रुप पे वो. तो मैं अभी भी कई दफ़ा किसी एक का मैसेज पुराना खोलती हूँ तो मुझे
अब नजर आता है कि उस वक्त ओ ये 5 जून ओ ये 10 जून को मुझसे बात कर रहे थे और मुझे अब मिल रहे हैं. सो अभी तक मैं सरप्राइज होती हूँ कि मुझे लोगों ने कितना प्यार दिया. अच्छा रुबीना आपा कितनी दुआएं दी. रुबीना आपा हम और हमारे बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है ना वो कोविड का शिकार हुए. अब शायद आपको पता भी नहीं होगा तो मैंने पूरी एक लिस्ट बना के रखी. जरा वो तो दिखाइए लोगों को फिर हम साथ मिलके केक काटते हैं. तो जी हमेशा हम बर्थडे पे केक काट रहे होते हैं लेकिन खुशी का कोई भी एलिमेंट कोई भी मौका मुझे लगता है इस कोविड के बाद ये एहसास हुआ हमें कि कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. छोटी सी भी खुशी है ना ज़रा सी भी खुशी है उसको सेलिब्रेट करें क्योंकि ज़िंदगी छोटी है. आपको नहीं पता कि आपका कब बुलावा आ जाए. तो मुझे लगता है जितनी खुशी जितनी मोहब्बत समेट सकते हैं समेटें. और रुबीना आप प्लीज़ केक काटे ना ये. ओके हाँ ना आप बिल्कुल लाइव सही होने के बाद लाइव पहली दफ़ा आई है तो ये वो वाला केक है. आप ढूंढ रही हूँ. हैप्पी रिकवरी ना. अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे सेहत के साथ इसी एनर्जी के साथ इसी तरह जिस तरह आप पर फैलाए भी होती हैं अपने घर वालों के लिए भी अपने प्रोडक्शन के लिए भी ये आप जारी सारी रखें. थैंक यू एंड हियर इट कट गया. ओह माय गॉड हमने चम्मच भी रखे अगर खाना है तो बहुत बाद में खाएंगे. एक्चुअली बहुत सारे शुक्रिया अभी भी रह गए हैं. हाँ थैंक यू सेविंग माय लाइफ माय डॉटर. ये एक बहुत बड़ी आर्मी थी. एक ही बेटी है लेकिन इस बेटी ने कोई 10 बेटियों वाला काम किया है अपने पैर पे. और तारिक थैंक यू. इनके मियां अरफात माय ब्रदर थैंक यू. एंड नवल आपके बेटे घंटों मेरी टांगे मसाज करता था जिससे कि मैं अपनी टांगों पे खड़ी हूँ. थैंक यू. मेरे बाकी सारे भाई बिकॉज मुझे पता है वो कितना तड़प रहे थे जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी. माई होल फैमिली माई होल इन लॉज की साइड आई लव यू ऑल एंड ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैव. I can't thank you enough. And thank you so much for coming back. Yeah. Thank you so much. अपने fans के लिए अपनी fraternity के लिए. Thank you so much for coming. मैं आपको hug करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि अब वो यहाँ हम लोग एक मिसाल हैं. हाँ. और हम ये मिलेंगे तो लोग कहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं. हाँ. तो इसीलिए ये है. But मेरी request ये है कि please announce कर दें कि vaccine आ गई है ताकि जो लोग तड़प रहे हैं लगवाने के लिए वो लगवा सकें. और आपको पैसे भी मिलेंगे लगवाने. ये भी तो बेस्ट है. नहीं भी मिले तो पड़ेंगे. मतलब वो ये लोग समझ रहे पता नहीं कितनी महंगी होगी क्या होगी. बहुत बड़ी बात है वो वाली चीज. बहुत बड़ी बात है. तो जी हम अभी प्रोग्राम नहीं खत्म करें एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं. वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज तो जैसे मुझे लगता है खुशखबरियों का दिन है. रुबीना अशरफ हमारे शो पे थी और अभी जो हम लॉन्च करने वाले हैं वो यकीनन आपके लिए खुशखबरी होगी क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं बाल यूं हाथों में आ रहे हैं कोरोना की वजह से भी मौसम की वजह से भी डाइट की वजह से भी. और जब आपके बाल यूं हाथ में आ रहे होते हैं ना आपको आपको फील होता है कि या अल्लाह. खासतौर पर ख़वातीन को मर्द तो हैं ही वैसे ही टची अपने बालों के लिए ख़वातीन को भी फील होता है हमारे बाल नहीं रहे तो क्या होगा. और इस ये सारी चीज़ें सोचने के बाद कोमल ने कुछ डिसाइड किया और फिर वो आज ट्रूली कोमल के ज़रिए कुछ लॉन्च करी है और वो भी हमारे शो पर. आइए मिलते हैं ट्रूली कोमल की कोमल से. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. जबरदस्त इंट्रोडक्शन. और मैं बिल्कुल यही निदा कहने वाली थी दैट आजकल चूंकि मौसम है कोविड फैला हुआ है फ्लू फैला हुआ है वीकनेस हो रही है मैल न्यूट्रिशन हो रही है सर्दी हो रही है ड्राइनेस हो रही है. एंड मैं इस प्रोडक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रही हूँ. ये है हमारा
really really amazing and good quality and sabse badh ke baat ye safe mehfooz tareeke se ye aapke baalon ke jo follicles hain yani jo roots hain unko jaake stimulate karta hai jagata hai and nourish karta hai fortify karta hai strength deta hai ek special ingredient se jiska naam hai keratin हाँ जो आजकल लोग करा रहे होते हैं कैरेटिन तो बाल आपके जो एकदम फुटावा होते हैं बिल्कुल फ्रिजी होते हैं वो सही हो जाते हैं वो इसमें हो जाते हैं वो कैरेटिन इसमें है एंड ये बहुत महंगा इंग्रेडिएंट होता है मैं बाहर से मंगवाती हूँ और इस हेयर सीरम में मैंने ये इंक्लूड किया है ताकि आपके बाल जो है विद इन 10 days गिरना बंद हो जाएंगे यार ब्लेसिंग है ये तो और हेयर सीरम में ये भी कहा जाता है कि भाई अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो नहीं यूज करो या अगर आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है क्योंकि नॉर्मली हेयर सीरम्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत यू नो थोड़े से अनसेफ तो नहीं होंगे क्योंकि वो अप्रूव्ड हैं लेकिन दे आर नॉट रियली वेरी हेल्थी फॉर यू राइट So this hair serum, you can use it 10 times a day, you can use it twice a day because it is just that safe. 10 din mein aapke baal girna band ho jayenge aur na sirf aapke baal girna band ho jayenge balki ye hair growth spray bhi hai. Achha isko kahan scalp mein lagayenge yeah, ya pure baalon mein? आई मीन नहीं पूरे बालों में नहीं लगाए क्योंकि सारा काम आपकी जड़ें करती हैं ठीक है आपके बाल जल्दी लंबे होंगे और अच्छी हेल्थ में लंबे होंगे अच्छा ये भी बताएं इम्पोर्टेंट चीज जी लोग शैम्पू के बगैर गंदे बालों में भी लगा लेते हैं ना तो आप ये बताएं कि कब कैसे किस तरह लगाएं वेल आई मीन यूजुअली आप जैसे आपकी जो मांग है आप पार्ट करें और आप स्प्रे करें मतलब शावर लिया हुआ है आपने आपके बाल साफ हैं स्कैल्प साफ है आपका स्कैल्प साफ हो तो बेहतर है लेकिन आप जैसे शाम में ये ट्वाइस अ डे मैं रेकमेंड करती हूँ आप बस इसको यूं निकालें और आप अपनी मांग में स्प्रे कर लें यूं करके हल्का सा जेंटली मसाज करें अपना स्कैल्प एंड यू आर गुड टू गो अच्छा ऑयली नहीं होता ऑयली नहीं होता है दिस इज अ सीरम इट्स लाइक अ टॉनिक जैसे टॉनिक्स होते हैं ना पानी जैसा तो आपके बाल ऑयली नहीं होंगे तो इवन अगर आप ब्लो ड्राई किया हुआ है आपने ये नहीं कि आप बाल गीले कर लें लेकिन ब्लो ड्राई भी अगर आपने कराया हुआ है या बाल आपने सेट किए हुए हैं बनाए हुए तब भी आप ये स्प्रे यूज कर सकते हैं इट इज फैंटास्टिक एंड इसके साथ मैं एक डील चला रही हूँ जो के है हमारे हेयर ऑयल के साथ अरे जबरदस्त या एंड अगर आप मेरा हेयर ऑयल एंड हेयर सीरम दोनों साथ लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा अच्छा मेरा हेयर ऑयल क्यों स्पेशल है यूजुअली हेयर ऑयल जो हैं वो कहते हैं कि ये जैसे आपका 100 रुपए का कोकोनट ऑयल है लेकिन अगर आप एक नारियल से जाके सदर में तेल निकलवाएं तो इतना सा तेल निकलेगा और एक नारियल जो है वो आई थिंक 100-150 का ही होता है तो इतनी बड़ी बोतल आपको कैसे सोचने की बात है तो एक हेयर ऑयल की बॉटल जो आपको इतनी सस्ती मिल रही है वो क्यों इतनी सस्ती मिल रही है उसमें क्या मिलावट है उसमें ये प्योर हेयर ऑयल्स हैं प्योर ओके और इसमें क्या क्या हेयर ऑयल है इसमें बादाम का तेल है इसमें खोपरे का तेल है इसमें विटामिन ई है इसमें एप्रिकॉट ऑयल है आर्गन ऑयल आर्गन ऑर्गेनिक मैंने आर्गन ऑयल इसमें डाला है लैवेंडर ऑयल है और खस का ऑयल है और ग्रेप सीड ऑयल है और इसमें सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इसमें यू कैन सी कंवल का फूल कंवल का फूल इसमें परमानेंटली इन्फ्यूज होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता और इससे शाइन आती है आपके बालों में आपके हेयर स्ट्रैंड्स में स्ट्रेंथ आती है एज यू कैन सी आई एम नॉट वेयरिंग एनी एक्सटेंशंस ये मेरे बाल 2 साल पहले इतने थे अब मेरे बाल इतने हैं इतनी जल्दी ग्रो तो ये हेयर ऑयल आप इवन वंस अ वीक भी अगर आप लगाएं तो आपके बहुत खूबसूरत और मेरे बाल डाइड नहीं है कुछ भी नहीं है दिस इज माय 100% नेचुरल हेयर एंड यू विल नॉट गेट अ बेटर डील एंड दिस इज ओनली ऑन फॉर दिस वीक बिकॉज ऑफ माय ब्यूटीफुल निदा थैंक यू और 20% ऑफ भी तो दे रही हैं आप यस वो किन-किन चीजों पर यस तो 20% ऑफ इस डील पे है और एक और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डील दे रही हूँ हमारा जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है ट्रूली कोमल का वो है हमारा वेरी वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी स्टेम सेल बेस्ड ग्लो सीरम जिसमें प्योर खालिस विटामिन सी बहुत ही हाई स्ट्रेंथ पे ऐड की हुई है अब आप सोच रहे होंगे ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है स्टेम सेल्स जो होते हैं उनकी फितरत में होता है कि वो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली ढूंढते हैं कि स्किन में क्या प्रॉब्लम है 2-3 कतरे आप मुंह धोने के बाद
क्लीन स्किन पे लगाएं ट्वाइस अ डे. अगर आपकी बहुत 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 ऑयली स्किन है तो वंस अ डे, और अगर आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है तो ट्वाइस अ डे. मैं भर भर के लगाती हूँ, लेकिन 2-3 कतरे काफ़ी हैं आप लोगों के लिए. एंड वो देखते हैं कि अच्छा आपके छाइयाँ पड़ी हुई हैं, ठीक कर दो भाई इसको. अच्छा आपकी रफ स्किन हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, ओके जाके इसको ठीक कर दो. अच्छा आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो उसको जाके आप पीएच बैलेंस कर दो. अच्छा आपके स्किन में पैचेस हैं जो कि जिसे कहते हैं ना लाइक दे आर नॉट मैचिंग विद द रेस्ट, पैची सी स्किन है आपकी, टू टोन स्किन यहाँ से कोई कलर है, यहाँ से कोई कलर. एग्जैक्टली तो वो ठीक कर देता है. तो एंड अकॉर्डिंग टू लैला वास्ती, ओके, जो कि इसकी डाई हार्ड फैन है, वो कहती है कि ये आई डोंट सेल इट एज अ प्राइमर, बट वो कहती है कि इसको लगाने के बाद उसका मेकअप भी ज्यादा स्मूथ अप्लाई होता है. ये इन कॉम्बिनेशन विद माय ब्यूटीफुल ब्राइटनिंग ग्लो फेस वॉश, जिसमें बाय द वे सिट्रिक यानी लेमन जूस है, और इसमें BHA है, AHA है, विटामिन ई है, और शहद है, और इसमें मुलेठी है, जिससे आपका यानी होता ना मर्क्यूरी से यूजली लोग अपना चेहरा फेयर करते हैं, लेकिन मर्क्यूरी इज सो बैड फॉर यू, इट्स सो बैड फॉर यू. यानी आपने अगर मर्क्यूरी शुदा प्रोडक्ट्स लगाए हुए, और अगर आप अपने बच्चे को भी हक करते हैं तो उसके लंग्स पे, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में भी अफेक्ट आ सकता है. दैट इज हाउ बैड मर्क्यूरी इज फॉर यू गाइज. सो प्लीज यूज सेफ प्रोडक्ट्स. ये जो इवन टोन आपकी जो ग्लो करता है वो मुलेठी और शहद से करता है. और उसके बाद लाइक अगर सिरम, क्योंकि अभी सर्दियां है, ड्राइनेस हो रही है, सिरम के बाद सिरम ऐसा ना हो ना लोग तो भर भर के अप्लाई करें, दो दिन में खत्म हो जाए. या, इसके इसको लगाने के बाद फिर तुम्हारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो भी लगा. यस, सो राइट, आई वुड रेकमेंड कि आप पहले स्क्रब यूज करें. ठीक है, बाय द वे एज यूजुअल ऑन निदा शो आई ऑलवेज गिव अ फ्लैट 15% off. So we have 15% off on everything and 20% off on these two deals. ठीक है. But मैं स्किन रूटीन बता रही हूँ आपको. ये हमारा पाकिस्तान का पहला ड्राई स्क्रब है. इसको आप रोज वाटर में मिक्स करके लगा सकते हैं, इसको आप अपने फेस वॉश में मिक्स करके लगा सकते हैं. मैं पहले क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी में इसको 2 मिनट जेंटली, ओके, नॉट लाइक दिस, जेंटली इसको मैं स्क्रब करती हूँ. और उसके बाद अपने ग्लो फेस वॉश से मैं धो देती हूँ. स्पेशली अगर मैंने मेकअप किया हुआ है या मैं जिम से आई हुई हूँ, तो मैं एटलीस्ट वंस अ डे ये स्क्रब जरूर यूज़ करती हूँ. अब आपकी स्किन और डेड स्किन सेल सब उतर गए, आपका मेकअप उतर गया. अच्छा बाय द वे मैं गारंटी देती हूँ कि 1 वॉश में अगर आप स्क्रब यूज़ करेंगे, आपका भारी से भारी मेकअप उतर जाए. अच्छा ये सब ऑर्डर कैसे करें, लेकिन क्या करें? या सो फॉर ऑर्डरिंग देर आर 3-4 ways that you can order. अच्छा नीचे आपके पूरी स्ट्रिप लगी हुई होगी. ये 3 WhatsApp numbers हैं. प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं. वी विल गेट बैक टू यू, लेकिन आप इन WhatsApp numbers पे हमें रابطہ कर सकते हैं, और जो जी चाहे आप ऑर्डर कर सकते हैं. जो जी आपको क्वेश्चंस पूछने, सवाल पूछने, तो हमारी एक पूरी टीम बैठी हुई है जो इन 3 numbers पे काम कर रही होती है. और लिटरली अगर आप कराची में, तो 2-3 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा. अगर बारिशें नहीं हैं, और अगर स्ट्राइक्स नहीं है, या कोई यू नो लॉकडाउन नहीं है, तो अगर आप कराची के बाहर रहते तो भी आपको 3-4 दिन में इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. दी अदर वे विच आई थिंक इज द बेस्ट वे इज आप सीधा सीधा वेबसाइट पर जाएं, www.trulykomal.com, एंड आप टक 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 अपने प्रोडक्ट्स बास्केट में डालें, चेकआउट करें, पे करें, और आपको उस वक्त कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल कुछ डालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली प्रोडक्ट्स आपके घर आ जाएंगे, आप राइडर को पैसे दें और अपने प्रोडक्ट्स आराम से इस्तेमाल करें. अच्छा
The best way I think that you can also order is something I use a lot. My mother actually uses it a lot. Is direct Facebook or Instagram pe contact karna. Okay. Hamara Instagram jo purana Instagram tha usme koi problem ho gayi, so I'm sorry about that. Lekin humne ek naya Instagram account banaya hai. It's called Truly Komal Official. Aap direct inbox kare. Aap kahe mujhe scrub chahiye, mujhe ye deal chahiye, aur aapko one DM of my karne se. DM karne se exactly. Facebook पे भी आप यही a lot of people want to know, you know, कि क्या क्या फवायद हैं और क्या सिस्टम है. उनको आदत नहीं होती है ऑनलाइन ऑर्डर करने की. बट वेरी क्विकली कमिंग बैक टू माई मॉर्निंग रूटीन एंड देन आई फिनिश इट ऑफ. स्क्रब यूज़ करें, फेस वॉश यूज़ करें, साफ चेहरे पे अपना सिरम इस्तेमाल करें. तरतीब बहुत ज़रूरी है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम योर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी डियर प्रोडक्ट्स. सिरम के बाद अगर डे टाइम है और अगर आपकी ग्रीसी स्किन है, आप डायरेक्ट सनब्लॉक लगा सकते हैं. और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मेरी आप नरिशिंग वाइटनिंग क्रीम लगाएं, उसके बाद आप सनब्लॉक लगाएं. वंस अ वीक पार्टी से पहले या किसी इवेंट से पहले मेरा ये वाइटनिंग मास्क आप ज़रूर लगाएं. इसमें व्हाइटनिंग जो है वो बेसिकली इवन स्किन टोन करती है. फाल्सा एक्सट्रैक्ट है इसमें विच इज बेरीज पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स और आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी ये देगी. सो वंस वीक एटलीस्ट ये मास्क जरूर लगाया करें. और इन द एंड हम दोबारा से बता रहे हैं 15% ऑफ ऑन एवरीथिंग. ऑन एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का शो. थैंक यू सो मच कोमल. एंजॉय करें अपने पूरे दिन को और दुआ करें कि आपके प्यारे जो हैं वो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहें और सलामत रहें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल. Tick, tick, tick.